हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में, एक नए अच्छे वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने आप में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हमें ऑलवेज सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स एंड हैबिट्स। मतलब आपको बिजली को, जैसे आपको पता है कि बिजली को कितने मतलब एफर्ट से बनाया जाता है। मतलब जो हम अपने घरों में मोबाइल चार्ज करने के लिए, टीवी देखने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, डे टू डे जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उनको मतलब कुछ चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो हमें इलेक्ट्रिक को, बिजली को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, कहने का मतलब। तो उसी के बारे में बात करें कि हम किन प्रयासों और किन अच्छी आदतों से हम बिजली को बचा सकते हैं, क्योंकि बिजली को बचाएंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उनके लिए वो बिजली सेफ रहेगी और उनको भी वो यूज कर सकते हैं। मतलब क्योंकि बिजली को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टेक्निक लगता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट वगैरह पूरा लगता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैं आज का ये नया वीडियो। तो मैं अब आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मतलब हैबिट और ऐसी कोशिशें, मतलब जिनको अगर आप जान जाओगे और उनको अपनाओगे, मतलब कि हम कुछ ऐसे हैबिट्स को अपने अंदर रखें या उनको याद रखें या कुछ ऐसी कोशिशें करें जिनके थ्रू हम बिजली को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। तो बात करते हैं हमारा जो आज का पहला जो हैबिट या कोशिश है जिसको आपको हमेशा बिजली को बचाने के लिए करना चाहिए, वो ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक जैसे आप जिस भी रूम में रहते हो, मतलब है ना, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो घर के मतलब जो घर के अंदर वाले उस रूम के अंदर 3-4 लाइटें हैं, कह रहे हैं मतलब। तो आप देखोगे कि आप 2 लाइट को चालू करके भी आपको अच्छी, मतलब जो आपकी कंप्यूटर का स्क्रीन है या लैपटॉप का स्क्रीन है वहाँ पे आपको अच्छी लाइट दिख रही है, तो वहाँ पर आपको 2 लाइटों को बंद करके, मतलब आपको बाकी 2 लाइटों को ला कर यूज करना चाहिए। इससे एक तो ये फायदा, आप अपना काम तो कर ही लोगे, दूसरा आप जब इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे तो आपका जो बिल होगा वो भी उसमें कम आएगा, कहने का मतलब कि जहाँ पर अगर 2 बल्ब को जलाने से आप उस काम को कर सकते हैं तो वहाँ पर 4 बल्ब को नहीं जलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका आप जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप बचा पाओगे। इस तरीके से आपको नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी आप रूम में अपना लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पर या कंप्यूटर पर काम करने के लिए बैठो पीसी पे, तो आप देख लो मतलब कि आपको पूरी पूरी जो अगर आपके जो भी बल्ब लगे रहे तो आप कितने मिनिमम बल्ब्स में आप बैठ कर काम कर सकते हो, मतलब और हो सके तो अगर मतलब जो आपको लगता है वो आपके विषय, मतलब चाहे सारे चलाओ या 2 चलाओ, लेकिन अगर 2 में हो कर सकता है काम तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको 2 बल्ब जला कर काम करना चाहिए। और जो दूसरे आदत मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कई लोग, जैसे मान लो किसी का 4 फ्लोर का घर बना हुआ है, हर फ्लोर में 2-3 कमरे हुए हैं, तो कोई बंदा और किसी कमरे में मान लो सेकंड फ्लोर पे बैठकर कुछ काम कर रहा है और पंखे वगैरह सब चल रहे हैं, अचानक किसी ने फोन कर दिया कि मैं रोड, मान लो कोई फ्रेंड आ गया गली के अंदर और आपको कॉल कर रहा है, कहीं नीचे आ रहे कुछ काम है, एलजेडी कॉपी किताब मतलब शेयर करना है या कुछ पूछना है, उस चक्कर में आप क्या होता है कि आप सेकंड फ्लोर पे, वो बंदा गली में नीचे आ गया, आपको कोई फ्रेंड आ गया है ना, या कोई जानकार आ गया, उसने आपको कॉल करके नीचे बुलाया, तो आपने जल्दबाजी में क्या किया, कमरे से निकल नीचे ले गए, बट उस टाइम जब कमरे के अंदर से तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे पंखा चालू हो सकता है वहाँ पे बल्ब जल रहे हो सकता है कि वहाँ पे कोई चार्जिंग में लगी हो, है ना। तो आपको निकलने से पहले दिमाग में यही रखना है कि जब वो निकलने लगा आपको क्या हो सकता है कि आप तुरंत भी वापस आ सकते हैं और कोई अर्जेंट हुआ तो हो सकता है आपके दिमाग से उतर जाए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ही सेकंड में ये चीज़ें दिमाग से उतर जाया करती हैं जो मतलब जो बिजली वाली है। तो आपको हमेशा एक हैबिट बनानी है, एक कोशिश करनी है, जैसे किसी का भी फोन आए, कोई भी काम आता है, चाहे वो घर में ही आपको कोई फर्स्ट फ्लोर से कोई ना क्यों ना कोई आप आवाज़ दे रहा हो या ऊपर से या कोई बाहर ही क्यों ना बुला रहा हो, जैसे आप बाहर की तरफ निकलो, मतलब निकलने से पहले एक हैबिट में डाल लो कि पहले जितने भी स्विचेस हैं मतलब जो चालू हैं मतलब आपके रूम के अंदर मतलब है ना,
उनको आप ऑफ करके जाइए, मतलब ऑफ करके जाइए तो इससे ये रहेगा सारी चीजें बंद है, फिर हो सकता है आप आधे घंटे बाद रूम में आओ या तुरंत भी आ रहे हो 15 मिनट बाद, तो उतने टाइम तक जो इलेक्ट्रिसिटी बिना वजह अगर चलती रहेगी, मतलब जैसे कमरे में कोई नहीं बट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है कंटिन्यू, तो वो वहाँ पे आपका सेव होगा और बिजली भी सेव होगा, साथ में आपका बिल भी वो जो बिना वजह जो यूज हो रहा है वो भी आपका उसमें कम आएगा कहने वाले। तो ये आपको दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, जब कोई आपको बुलाता है, चाहे घर में कोई क्यों ना कोई बुला रहा हो या बाहर कोई फ्रेंड वगैरह क्यों ना बुला रहा हो, जब भी आप बाहर निकलो मतलब, तो आपको मतलब हर स्विच को मतलब बंद कर ही जाना है। तीसरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप जैसे कई लोग जैसे फोन चार्जिंग का मैंने बताया था, तो जैसे घर आते कोई भी फोन हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे नॉर्मल नॉर्मल जो फोन होते हैं मतलब एडवांस वो फोन है, मतलब कैसा भी फोन क्यों ना 3 से 4 घंटे में अच्छे से चार्ज हो जाता है कहने का मतलब, तो अच्छे से चार्ज हो जाता है मतलब, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप फोन चार्जिंग में लगा देते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप काम करने लगे आपको उस फोन चार्जिंग का ध्यान रखना है कि कई बार आप चार्ज में लगा छोड़ देते हो मतलब, और काफी लॉन्ग टाइम तक 100% बैटरी होने के बाद भी फोन चार्जिंग में लगा रहता है और आपको ध्यान नहीं, तो कई बार ऐसा हो जाता है मतलब, जैसे मैं भी कई बार भूल जाता हूँ और पता चलता है कि आधे घंटे बाद मतलब फोन आधे घंटे पहले ही हमारा फोन चार्ज हो गया मतलब, क्योंकि बैटरी फुल से ओवर हो चुकी होती है मतलब। तो आप जब फोन लगाते हो दिमाग में हैबिट रखो कि जब मैं अगर फोन लगा रहा हूँ तो जैसे अगर पूरी पूरी बैटरी यूज हो गई है मान लो 100% या 5-4-5% है, तो मतलब 3 से 4 घंटे तो लगेंगे, 15% तो 2 घंटे लगेंगे, 75% तो 1 घंटे लगेंगे, तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर 50% बैटरी खत्म हो गया और 50% अभी चार्ज करना है तो मैं 2 घंटे बाद को चेक करूंगा, या 75% 1 घंटे बाद चेक करूंगा और बंद कर दूंगा। तो आपको बैटरी के हिसाब से एक दिमाग में वो चीज ध्यान में रखना है कि मेरी बैटरी इतने टाइम में चार्ज हो जाएगी और मैं बंद कर दूंगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो कई बार क्या होता है कि बैटरी चार्ज होने के बाद जो फोन का चार्जर से बैटरी चार्ज मतलब मोबाइल की बैटरी चार्ज होने के बाद भी जो एक्स्ट्रा उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा होता है मतलब, उससे क्या होता है कि जो उसकी बैटरी होती है मतलब फोन के अंदर कई बार मोटी हो जाती है, और मोटी होने के बाद क्या होता है कुछ टाइम बाद तो डैमेज हो जाती है, कई बार ओवर चार्ज होने की वजह से बैटरी फूक भी सकती है मतलब, वो गर्म हो जाती है कंटिन्यू चार्ज होते होते मतलब, वो मतलब खराब भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ऐसी जगह पर आपको फोन के बारे में मतलब पूरी जानकारी रखनी है कि मुझे इतने टाइम में मैं फोन लगा रहा हूँ, इतने परसेंट खाली है, तो इतने टाइम में मैं फोन को मतलब आके मतलब उठा मतलब फोन को चार्जिंग में से निकाल दूंगा, तो आपको उसकी बैटरी के हिसाब से मतलब इतना परसेंट वो खाली है मतलब उतने परसेंट आपको क्या बोलते हैं यूज करना है मतलब, इतने परसेंट वो खाली है और उतने परसेंट चार्ज होने के बाद आपको दिमाग पर रखना है और तुरंत जाके चेक करना है उतने घंटे बाद उतने मिनट बाद अगर फुल हो गया उसको निकाल देना। हो सकता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो फोन टोटली डेड है मतलब, और वहां पर मैं चार्जिंग लगा छोड़ दिया, उस टाइम भी आप हो सके तो फोन को स्विच ऑफ करके दे, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आप कब वापस आएंगे मतलब आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, तो ऐसे टाइम में भी आप फोन को मतलब वो जो आपका प्लग वगैरह उसको बंद करके जाइए। जो चौथी चीज है वो ये है कि मतलब कई बार क्या होता है कि हम जैसे रूम अपने पर्सनल रूम के अंदर या फैमिली जो रूम के अंदर हम कुछ जैसे मान लो कोई शो हो गया यूट्यूब पे या कोई मूवी हो गई देख रहे होते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि फोन में किसी का मैसेज आ गया तो हम घर की जो कॉरिडोर होता है रेलिंग वगैरह होती है बरामदा, तो वहाँ पर बात करने लगते हैं, उतने टाइम में क्या होता है कि जो आपके लैपटॉप में मतलब जो यूट्यूब चल रहा होता है ना, क्योंकि यूट्यूब चल रहा है या कोई मूवी देख सकते हैं वो चल रहा होता है, तो उस टाइम में वो आप देख नहीं रहे हो लेकिन आपका मतलब वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो वहाँ पे एक तो आपका इंटरनेट एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, और फिर आपको ये पता होगा कि जब जहाँ से आपने वो चीज मिस कर दी है फिर से आप अटैक वहां से आपको देखना ही है, तो उस टाइम दिमाग से चल जाता है हम बात करने लगते हैं मतलब अपने दोस्त से मतलब, तो वहां पर भी हमारे दिमाग से वो चीज मतलब स्लिप हो जाती है, ऐसे टाइम में भी आपको वहां पे जब एक्स्ट्रा वो यूट्यूब चल रहा होता है तो वहां पर एक्स्ट्रा डाटा यूज हो रहे थे, आपको ऐसे टाइम में लैपटॉप का यूट्यूब को मतलब उसका जो बटन होता है उसको स्टॉप करके और उसको फ्लिप करके आपको फिर जो बात करना है अपने फ्रेंड से कुछ बताना है या पूछना है जो भी है आपको बाकी चीजों को करना चाहिए। तो मतलब और दूसरे भी और कई सारे तरीके होते हैं जिनको अगर आप
थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा जहाँ पे बिजली की मतलब एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रही है। तो आपको बिजली को वेस्ट होने से बचाना चाहिए अपनी अच्छी आदतों को डालकर, मतलब जो मैं ऑलरेडी कुछ आदतों और हैबिट्स को बता चुका हूँ उस वीडियो के अंदर, और आपको ऐसी आदतों को ऐसी कोशिशों को करना चाहिए और अपनाना भी चाहिए ताकि आप बिजली को अपने जीवन में बचा सकें, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें। और इससे आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगा और आपका बिजली बिल भी कम आएगा, मतलब आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं कहने मतलब। तो दोस्तों ये था मेरा आज का नया वीडियो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को अपने अलग अलग तरीकों से हैबिट्स को रखकर मतलब बचाने की कोशिश करना चाहिए। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नीचे देगा आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। अगर आप पहले मेरे चैनल पर आए हैं तो आप दोनों को जाकर प्रेस कर दीजिए, उसको आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे ताकि आप चैनल से कनेक्ट होने के बाद जो भी नए वीडियोस होंगे आप उनको देख सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन में आत्मनिर्भर कैसे बने, मतलब सेल्फ डिपेंडेबल कैसे बने मतलब। तो इस टॉपिक को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हमारे जीवन में आत्मनिर्भर कैसे बने। और तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आप सभी को दोस्तों पता ही होगा कि आजकल का टाइम जो हमारा विश्व हमारा वर्ल्ड है मतलब उसमें अलग अलग मतलब जो स्टेटस से बिलोंग करते हैं, चाहे वो रिच फैमिली से हों, चाहे वो मिडिल क्लास से, चाहे सिंपल से हों, चाहे वो नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हों कहने मतलब। तो अलग अलग लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब कोई बच्चा दुनिया में आता है, चाहे वो किसी भी स्टेटस से बिलोंग क्यों ना करता हो मतलब, तो जब पैदा होने के बाद अगले में जब तो एक से तीन साल तक तो क्या काम मतलब वो क्या क्या चीज़ें करता है मतलब। इस एक से तीन साल का जो पहला एज होता है मतलब, इस एज में वो बच्चा खाना पीना सीखता है, उसके दांत वगैरह निकलते हैं, तो चलना फिरना सीखता है अपने पैरों पर और बोलना सीखता है क्योंकि उसके बर्तन क्लियर नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो एक तीन साल का कंप्लीट कर लेता है तो चौथे साल में प्रवेश करते ही उस छोटे बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, यानी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया जाता है। जैसे कि आप सभी पता है कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर दो तरह के स्कूल मतलब दो तरह के स्कूल हम देखने को मिलते हैं। एक होती है मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से पाँचवीं फिर छठी से बारहवीं तक होता है, जिसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, छठी दसवीं तक सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी के जी एल के जी यू के जी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए फिर ट्वेल्थ तक, फिर कॉलेज पढ़ाई, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होता है कहने मतलब। इस तरीके से पढ़ाई हमारी आजकल यहाँ पर होती है। तो जब फिर जब बच्चे को प्राइवेट मतलब नर्सरी क्लास में डाल दिया जाता है या जो छोटे क्लास होते हैं उसमें डाल दिया जाता है पढ़ने के लिए, देन वो हर साल एक क्लास को अपनी मेहनत से और स्टडी करते हुए पास करता हो रहता है। लेकिन जो चार साल से 13 साल तक की एज होती है, कहा जाता है कि ये जो टाइम होता है एक बचपना का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब। इस टाइम में बच्चा पढ़ाई तो करता है लेकिन उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता है। उसको हम उनके बच्चों के साथ चाहे वो उसके घर के अंदर हो, चाहे गली में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे क्लास में हो, जहाँ भी होते हैं मतलब, उनको हम उनके बच्चों के साथ खेलने कूदने में चलने फिरने में और मतलब मजा करने में उसको मतलब अच्छा लगता है। ऐसा मतलब कपड़े गंदे होते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन चोट लगने के बाद थोड़ी देर तक वो रोता है, फिर वो वापस पुरानी कंडीशन में आ जाता है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ों को करना, घूमना फिरना हम उनके बच्चों के साथ उसको अच्छा लगता है, उसे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता क्या गलत है क्या सही है मतलब, कपड़े गंदे हो रहे कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वो 13 साल कंप्लीट करके 14 साल में आता है मतलब, तो धीरे धीरे क्योंकि उसका वहाँ तक कहा जाता है कि चाइल्डहुड टाइम अब खत्म हो जाता है, फिर बच्चा हर चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर अपने कपड़े वगैरह नहीं गंदा करता है, नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे गंदा नहीं दिखना है वरना मम्मी मारेगी कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा गंदे कपड़े होंगे तो टीचर मारेंगे। और अपने आप को सही गलत क्या होता है उसका मतलब उसका फ़र्क जानने की कोशिश करता है। वो देखता है कि मतलब जो मेरे मतलब जैसे जो मेरे फैमिली में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे मतलब हैं या थे मतलब, उन्होंने भी अपने टाइम में मतलब
और किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाया मतलब। तो और करियर बनाने के बाद उन्होंने हमारे घर को संभाला और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे उनको पूरे किए। उसी तरीके से हमारे फादर भी वो भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के अपने मतलब आज कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं मतलब, और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा, और करियर बनाने के बाद हम मुझे भी अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे समझ में लगता है, बट उसको ये नहीं पता होता है कि मेन चीज़ वो कैसे करूँ मतलब। यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आजकल सभी को पता है कि आजकल टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है मतलब फील्ड अपना किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा सेल्फ डिपेंडेबल मतलब आप जैसे कि जैसे मतलब जैसे कई लोग देखा जाता है मतलब कि जैसे आपके मतलब कई सारे ऑप्शन है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर और अच्छे बॉडी वगैरह होते हैं, लोग आर्मी में जाते हैं, बॉडी बिल्डर या जिम ट्रेनर ही बन जाते हैं मतलब, और डांसर सिंगर हो गया मतलब कह रहे हैं मतलब आजकल हमारे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है अपना किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए। और उन चीज़ों पर किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे आजकल के टाइम में कई लोगों इन चीज़ों को समझने में और पता करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो हर किसी ना किसी डाउट में रहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेबल रहते हैं कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं फ्रेंड से पूछूंगा मुझे क्या करना चाहिए, या मैं अपने जानकार से पूछूंगा, उनको वो कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज रहते हैं मतलब अपनी लाइफ को लेकर एक्चुअली मुझे बनना क्या है। तो पहली बात तो जैसे हमें बात कर रहे थे कि सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनना सीखो जो भी, क्योंकि आगे जाके जो लाइफ होती है काफ़ी मतलब जैसे वैसे स्ट्रगल वाली होती है। कई लोग जैसे जो नॉर्मल नॉर्मल क्लास से बिलोंग करते हैं, सिंपल क्लास से, उनके लाइफ काफ़ी ज़्यादा आगे रखे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में मेहनत करना पड़ता है। तो और ऐसे में अगर आप किसी और पे मतलब आत्मनिर्भर, हाँ जब आप आत्मनिर्भर दूसरों पर रहोगे तो बहुत ज़्यादा आगे रखे, फिर आगे आपको हैबिट बन जाएगी। जैसे जब बच्चे होता है छोटा होता है तो चलो उस टाइम तो पेरेंट्स को उसको उसकी पढ़ाई लिखाई उसको स्टडी करवाते हैं, उसका चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो उस टाइम वो पेरेंट्स पर डिपेंडेबल होता है। लेकिन जब वो काफी बड़ा हो जाता है, 15-20 साल का हो जाता है, तो धीरे धीरे उनको खुद को एक सेल्फ डिपेंडेबल होने की आदत डालनी चाहिए। जैसे जब मैं मतलब जब मैं कॉलेज के टाइम या स्कूल के टाइम में पढ़ाई करता था, तो मैं अपने क्लास में जैसे इंटेलिजेंट था पढ़ने में, तो लेकिन जो क्लास के वीक होते थे या पढ़ने में उतने होशियार नहीं होते थे, तो वो ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते थे मतलब। आप सभी भी शायद जानते होंगे जो अपने क्लास में इंटेलिजेंट होते हैं मतलब, ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो एग्जाम में हमारी हेल्प कर सके या हमें दिखा सके मतलब। खुद पर डिपेंडेबल नहीं होते थे, वो सोचते थे कि हम चीटिंग कर लेंगे या हम हमें हमारा फ्रेंड मदद कर देगा। तो इस टाइम उनके ऐसे मतलब ऐसे दोस्तों की ऐसे मेंटेलिटी होते थे या सोच होते थे कि दूसरे पर डिपेंड होकर कुछ भी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते थे, हम तैयारी नहीं करते थे एग्जाम का, और सोचते थे कि हमारा दोस्त दिखा देगा, हमने ऐसे फ्रेंड बना रखे हैं मतलब, तो वो हमारे पूरी पूरी हमारे एग्जाम को मतलब एग्जाम का जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उस पेपर में हमें हमारी उसको पूरा कराने में हमारी मदद करेगा। तो इस तरीके से मतलब तो ये यहाँ पर भी हम दूसरों पर डिपेंडेबल हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कई लोग जैसे जॉब कर रहे होते हैं, कईयों की अचानक जॉब छूट जाती है, तो मुझे आज भी कई लोग जैसे महीने में कई दोस्तों का फोन आता है या बोलते हैं कि भाई कहीं जॉब हो तो बता दे। तो देखो आप मतलब दोस्त, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है किसी ना किसी वर्क को लेकर, तो आपको जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, नीड है, या जो भी आपको पता करना है, वो आजकल के टाइम में आपको खुद ही पता करना पड़ेगा और आपको ही खुद ही निकालना पड़ेगा। आप दोस्त को बोल रहे हो कि दोस्त मुझे कहीं जॉब चाहिए मुझे बता दे, हेल्प कर दे, बता दे, तो दोस्त भी अपने आप में बिजी है, फिर अगर उसको कहीं दिखेगा तो ही वो आपको बताएगा। लेकिन आप किसी एक ही दोस्त पर डिपेंड पर होकर बैठोगे, जब वो बताएगा तभी मैं कहीं पर जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए, अगर जॉब का पता करने के लिए, तो ये आपका टाइम भी वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होता है वापस लौट कर नहीं आता है। यहाँ पर भी आपको मतलब अपना सेल्फ डिपेंडेबल बनाने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होकर, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मतलब, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो दोस्त है आपको मदद कर दे, क्योंकि वहाँ एग्जाम के टाइम में चेकिंग वाले होते हैं, टीचर स्ट्रिक्ट मिल जाता है मतलब, तो आप इस तरीके से उम्मीद नहीं कर सकते मतलब। और कोई भी इस तरीके से आपको हाँ थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है मतलब वर्ड्स में या सेंटेंस में, बट कोई भी प्रॉपर तरीके से आपको पूरा पूरा पेपर नहीं कराएगा। तो कहने मतलब ऐसे टाइम में हमें अगर ऐसा हमें कोई मदद नहीं कर पाता था, तो हम एग्जाम की तैयारी हम पूरे साल भर में एक बार करते हैं,
और वही हमारे उसी पे हमारे मार्क्स निर्भर होते हैं। तो आपको ऐसे टाइम में खुद का प्रिपरेशन करना है, खुद का अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको जॉब के बारे में बताया कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब कहीं कर रहे हो या कहीं ऐसे अच्छे जगह पर जाना चाहते हो और भी बेटर जॉब में, तो आप दूसरों पर डिपेंड वालों करना होकर खुद अपना, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपको कैसे जॉब अच्छे लगते हैं, आपको किस प्रकार के वो होने, मतलब किस प्रकार से मतलब आपको काम करना अच्छा लगता है। तो आपको खुद ही निकल कर बाहर आपको ऐसी टाइप की जॉब ढूंढनी पड़ेगी या सर्च करना पड़ेगा, इंटरव्यू या जॉब वगैरह लाके देना पड़ेगा। जैसे आजकल तो बहुत सारे ऐप्स वगैरह भी आ गए, मतलब जो जॉब के बारे में मतलब अलर्ट वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह बताते हैं, कई सारे पेजेस वगैरह बने हैं, कई न्यूज़ पेपर भी कई सारे जॉब के ऐड वगैरह आते हैं। तो कहने मतलब आपको जो भी कुछ पता करना है आप ही को उसकी खुद की डिटेल निकालनी पड़ेगा, आपको अपने आप को इन चीज़ों में अपना सेल्फ डिपेंडेबल बनाना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी दूसरे काम भी होते हैं जिनको लगता है कि वो जब बंदा मेरी मदद करे तभी मैं करूँगा, या जब वो बंदा बताएगा, या जब वो मेरे मेरे साथ आकर मेरे मेरे इन चीज़ों में अच्छे से मदद करेगा, मतलब तो ही मैं करूँगा। तो ऐसे ही थॉट्स को भी रखना मतलब इन द फ्यूचर के लिए फिर वो अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपको बेटर है मतलब अपने आप को किसी भी जगह कोई भी काम, अगर कोई भी काम आप कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। तो आपको लेकिन आप भी उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। आपको अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने की यानी सेल्फ डिपेंडेबल बनने की आवश्यकता है, जो कि आप खुद कर ही सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, जीवन में आत्मनिर्भर कैसे बने उसके बारे में मैंने आपको बताया। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, आप उन दोनों को प्रेस कर दें और ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट होते आप मेरे आगे मेरे हर वीडियो को देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में उचित निर्णय लेना सीखो, मतलब जो डिसीजन होता है उचित निर्णय लेना सीखो, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि मतलब आजकल के टाइम में मतलब जो हमारा जैसे जो हमारा वर्ल्ड है मतलब उसके अंदर अलग अलग और जो स्टेटस होता है, मतलब अलग स्टेटस से रिलेट मतलब बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। कोई हाईली रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है मतलब। तो और सबका फिर अलग अलग रहन सहन भी होता है। जो जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो मिडिल क्लास से उसके पास भी मतलब उतनी है कि सारे नीड्स को पूरी कर सकता है। जो सिंपल है या नॉर्मल फैमिली से है मतलब वो या तो ज़्यादातर बंदे रेंट पे रहते हैं, जैसे बड़े बड़े सिटियों में अगर जॉब की तलाश में मतलब, और या फिर छोटे 20-25-30 गज के 50 गज के घरों में रहते हैं मतलब, तो उनको भी काफ़ी टाइम में स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मतलब प्राप्त करने के लिए या कुछ भी हासिल करने के लिए। तो इस माहौल के बीच में मतलब जो वर्ल्ड है मतलब, तो इसी मतलब इस संसार के अंदर जब कोई मतलब बच्चा पैदा होता है, जब किसी भी घर के अंदर मतलब तो पैदा होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो बच्चा होता है उसकी एज मतलब 1 से लेकर 3 साल तक की जो उसकी एज होती है मतलब, इस एज में मतलब उस बच्चे को ज़्यादातर मतलब उसका मतलब ज़्यादातर वो चलना फिरना सीखता है, खाना पीना सीखता है, घूमना सीख मतलब चलना फिरना सीखता है, और उसके दांत वगैरह निकलते हैं मतलब तो घर के अंदर ही घूमना सीखता है मतलब इधर से उधर चलना फिरना और बोलना सीखता है कहने में मतलब। और फिर तो ये 3 साल तक यही 2-3 चीज़ें वो करता है, लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है मतलब 14 साल में प्रवेश करने के बाद उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि 1 से 5वीं तक ही नहीं तो उसके बाद 6ठी से 12वीं जिसको सेकेंडरी नहीं तो 6ठी से 12वीं तक होता है, 6ठी 10वीं सेकेंडरी और 6ठी से 12वीं तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल
नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर 12th क्लास, फिर कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस तरीके से आगे की पढ़ाई होती है। तो बच्चे को जब क्लास में डाल दे रहता है तो धीरे धीरे हर साल एक क्लास को अपने मेहनत लगन और उसकी तैयारी करके एक क्लास को पास करता हुआ रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक के एज होते हैं, किसी भी बच्चे की क्यों ना हो, मतलब ऐसा जो उम्र होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो ऐसे ऐसे टाइम में मतलब जो बच्चा होता है उसको, हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे घर के अंदर हों, गली में रहते हों, क्लास में रहते हों या स्कूल में रहते हों, वो ऐसे हम उम्र के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करता है, उसको घूमना फिरना पसंद होता है, और क्या बोलते हैं, घूमना फिर घूमना और गली में मतलब उनके संग आना जाना और घूमना फिरना खेलना कूदना पसंद होता है। फिर जैसे कपड़े क्यों ना गंदे हो रहे हो, बालों में मिट्टी क्यों ना लग रही हो, चोट भी क्यों ना लग रही हो, चोट भी लगता है तो कुछ टाइम के लिए वो सैड होता है, वापस अपने पुराने ट्रैक पे आके मतलब फिर से थोड़ी देर फिर से वही खेलना कूदना लगता है। तो इससे 8 तक बस वही उसको अच्छा लगता है, मतलब इंजॉयमेंट, मतलब खेलना कूदना हम उनके दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है, मतलब 14th ईयर में, तो धीरे धीरे वो बाहर की दुनिया के प्रति धीरे धीरे सिंसियर होता रहता है, मतलब बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या गलत है क्या सही है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करना, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, और कपड़े गंदे करेंगे तो मैडम मारेगी, मम्मी मारेगी, क्योंकि कपड़े गंदे होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से अपना बाहर का जो नजरिया होता है धीरे धीरे चेंज होने लगता है, अच्छे और बुरे में फर्क करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ये भी देखता है कि जो उसके फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा या नाना जी हैं या थे, मतलब उन्होंने भी अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के, मतलब क्या बोलते हैं, अपने फैमिली को संभाला, अपनी जिम्मेदारियों को समझा और सारे नीड्स को पूरे की। और मेरे जो फादर हैं वो भी कहीं ना कहीं करंटली कितने किसी फील्ड में अपना करियर बना के, मतलब कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं और हमारे घर को संभाले, हमारे सारे नीड्स को पूरे कर रहे हैं, हमें अच्छे पढ़ाई करा रहे हैं, कहने मतलब। तो बाहर का इस तरीके से वो धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। फिर वो देखता है कि वो भी ये भी जानता है कि आगे जाकर उसे भी कितना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जब कितना किसी फील्ड को चूज करके अपना करियर बनाएगा तो ही वो आगे जाकर अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और कितना किसी चीज़ में अच्छा बनेगा, कहना है मतलब। तो वो धीरे धीरे फिर वो ये भी देखता है कि आजकल हमारे पास, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पास जो करियर से रिलेटेड कई सारे अलग अलग फील्ड अवेलेबल है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफी, सिंगर, डांसर, और टीचर, प्रोफेशनल लेक्चरर, और अगर बॉडी हाइट वगैरह अच्छी तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, बॉडी जिम ट्रेनर और बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ही बन जाते हैं। तो मतलब आजकल हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल किसी फील्ड में करियर बना के। तो जो बच्चा धीरे धीरे मतलब 18 साल के बाद 20 साल की एज पहुंचता है तो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, तो लेकिन गंभीर तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, मतलब जो ऐसे स्टेज पर पहुंचे या ऐसी एज पर पहुंच के, मतलब जो उनका डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, जो उनकी किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने की जो बात आती है, मतलब तो वहाँ पर वो वीक हो जाते हैं, मतलब उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, मतलब कि इसको डिसीजन को कैसे लेना है, या हम लेंगे तो क्या उसका फायदा मिलेगा, क्या कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या डिसीजन सही होगा कि नहीं, हम कैसे ले, मतलब उस चीज़ों में उलझे रहते हैं, मतलब वो डिसीजन लेने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और जब तक टाइम जितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं तब तो तक वो जो ऑफर होता है या वो जो उसका रिजल्ट निकलने वाले बेनिफिट में जो टाइम होता है वो निकल चुका होता है, मतलब जितना ज़्यादा वो डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, फिर वो कुछ टाइम बाद डिसीजन लेने के बाद उसमें कुछ रिजल्ट नहीं होता है, उसका फायदा नहीं होता है। तो ऐसे कहने मतलब उनको कुछ निर्णय लेने में अपने जीवन के अंदर किसी भी काम के प्रति या किसी भी अपने लाइफ के ड्रीम के प्रति या अपने किसी भी जीवन में सपने के प्रति जो वो अपने जीवन में बनना चाहता है उसको, मतलब उसके प्रति डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम होती है, या वो थोड़ा कमजोर होता है, या जान नहीं पाता मैं करूँ या क्या ना करूँ। तो ऐसे टाइम में आपको करना क्या है, वो यही करना है कि जब भी आप ऐसे जगह में फंस जाते हैं, मतलब जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो पहले तो सबसे आप पहले आपको अपने आपको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, स्ट्रांग मतलब मजबूत बनाने की जरूरत है कि आप डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद आपको ये देखना कि जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो किस टॉपिक से, किस वर्क से, या किस
किस चीज से बिलोंग करता है, किस चीज से संबंध रखता है, फिर आपको देखना है कि उस चीज से रिलेटेड डिसीजन है या जानकारी आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके घर में किसके पास अच्छा कोई मुझे परामर्श या मुझे अच्छे से मेंटरिंग या गाइड कर सकता है। तो आपको उस चीज से रिलेटेड उसकी और जानकारी या डिसीजन लेना है, आपको उस बंदे से उसकी हेल्प लेनी चाहिए या उसे विचार विमर्श करना चाहिए कि मेरे पास ये काम है या मैं ये चीज इस चीज के बारे में डिसीजन लेना चाहता हूँ बट मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मेरी मदद करोगे इस चीज को क्लियर करने में, इस चीज को बताने में, इस चीज को एक्सप्लेन करने में। तो आप इस तरीके से जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या घर के मेम्बर्स हैं जो आपके जानकार हैं उनको आप बताइए, घबराना नहीं चाहिए। मतलब किसी भी उचित निर्णय जब किसी काम के प्रति कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो उस जगह पर आपको घबराना नहीं है, मतलब सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और बेटर डिसीजन लेने के लिए, उचित निर्णय लेने के लिए अपने लाइफ के अंदर। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि मतलब जो आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है या जो शक्ति है वो धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप निर्णय ले रहे हो अपने मतलब उस काम के प्रति या उस गोल के प्रति या उस सपने के प्रति या उस ड्रीम के प्रति, वो आपका मतलब अच्छा है, उससे आपको आगे आगे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और आप अच्छे से उस चीज को कर पा रहे हो, मतलब और अच्छे से आप उस चीज के बारे में फिर अच्छे से डिसीजन भी ले पा रहे हो। तो इससे आपका फिर जब आप ऐसे मतलब इस तरीके से रूटीन में लाने लगोगे किसी ना किसी के गाइडेंस में, किसी ना किसी के विचार विमर्श में, परामर्श में, आप किसी चीज़ का किसी भी टॉपिक का डिसीजन या किसी भी काम का डिसीजन लोगे तो आपका धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, आपके जो डिसीजन लेने की क्षमता उसमें आपको सुधार, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगा और धीरे धीरे आप आपकी जो लाइफ का जो मतलब जो जो आपके लाइफ का डिसीजन लेने की क्षमता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी, मतलब और आप धीरे धीरे आगे की ओर जीवन में बढ़ने लगोगे। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि जीवन में कई सारे ऐसे डिसीजन लेने के मौके आते हैं जहाँ पर हमें सोचने में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट्स को जो उतने भी परिपक्व नहीं होते, मतलब उतने ज़्यादा उसमें मेच्योर नहीं होते कहने वाला। तो आपको वहाँ पर अपने से बड़े से किसी से सलाह लेकर, किसी के परामर्श लेकर आप वहाँ पर डिसीजन ले सकते हो उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस काम के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में उचित निर्णय लेना सीखो। कैसा लगा आपको सभी को मेरा आज का एक नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन रेड और एक बेल आइकॉन का बटन दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उन पर कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि जीवन में कभी भी घबराना चाहिए, कभी भी जीवन में घबराओ मत, जीवन में कभी भी घबराओ मत किसी भी परिस्थिति के अनुसार, किसी भी कंडीशन के अनुसार। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम अपने आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो जो कि बेस्ट है कि हमें जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा आजकल का जो वर्ल्ड है, जो हमारे विश्व है, उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल फैमिली से, कोई मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब हर व्यक्ति किसी ना किसी स्टेटस की फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब और सबकी जो जीवन शैली अलग अलग प्रकार की, मतलब रिच जो बंदा रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसको सारी सुख सुविधाएं हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है उसके बाद कम सुख सुविधाएं बट हैं, जो बंदा नॉर्मल या सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है या तो उसके पास नाम मात्र की सुख सुविधाएं होती है। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, 20-25 गज के या 1-2 फ्लोर के, या कई लोग रेंट पर रहते हैं, मतलब किराया देते हैं, मतलब उनके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से हमारे जो मतलब इस तरीके से आजकल के टाइम में मतलब लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो आजकल के टाइम में जब कोई इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है, कहने का मतलब तो जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी फैमिली में पैदा क्यों ना हो रहा हो, मतलब जब भी पैदा होता है तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक का कहा जाता है कि वो इस एज के अंदर मतलब
उसके दांत वगैरह निकलते हैं, तो बोलना सीखता है, चलना फिरना सीखता है और खाना वाना सीखता है मतलब। और 1-3 साल तक इन्हीं काम वो करता है मतलब। लेकिन जैसे ही वो 4th साल में प्रवेश करता है, उस छोटे बच्चे को अंदर स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में 2 तरह का स्कूल होता है, पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से 5वीं तक या फिर 6ठी से 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, 6ठी से 12वीं तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा स्कूल, वो होता है प्राइवेट जो कि नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से मतलब क्लासे होती हैं। और आगे फिर क्लासे होती हैं 12th तक, फिर और कॉलेज का होता है, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, इस तरीके से पढ़ाई होती है। तो इस छोटे बच्चे को अंदर जब वो 14 साल में प्रवेश करता है मतलब, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। तो बच्चा वहाँ से फिर अपनी स्टडी की लाइफ शुरू करता है और वहीं से फिर धीरे धीरे हर क्लास को हर साल अपनी मेहनत स्टडी करके पास करता हो जाता है। लेकिन जो उसकी 4 साल से लेकर 13 साल तक की लाइफ होती है, ऐसा कह रहे थे कि ये जो टाइम होता है ये चाइल्डहुड का टाइम होता है, ये बचपन का टाइम होता है। तो इस टाइम के अंदर जो बच्चा होता है वो पढ़ाई लिखाई तो करता है, लेकिन उसका ज़्यादातर वो टाइम होता है कि हम उम्र के बच्चे जो होते हैं, चाहे वो घर में रहते हों, चाहे गली में रहते हों, चाहे उसे क्लास में हों, चाहे स्कूल में हों, जहाँ पर भी होता है, वो ऐसे ही अपने उम्र के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करता है, दोस्ती करना चाहता है मतलब, घूमता फिरता है मतलब, खेलना कूदना उसको ज़्यादा पसंद लगता है, चाहे उसके कपड़े क्यों ना गंदे हो, बाल क्यों ना गंदे हो, चोट भी लगती है उसको कोई असर नहीं होता, कुछ टाइम बाद फिर से वही खेलना कूदना शुरू कर देता है। तो उसको मतलब इन चीज़ों को करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगता है और वो ऐसा ही करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है 20th ईयर में, तो उसका चाइल्डहुड टाइम खाटा से खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। फिर वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर अपने कपड़े गंदे नहीं करता है, उसे पता रहता है कि अगर कपड़े गंदे करूँ टीचर मारेगी, मम्मी मारे भी मारेगी, क्योंकि कपड़े गंदे होंगे तो धुलने में प्रॉब्लम होगी, और क्या सही है क्या गलत है वो सोचता है। कि जो वो ये भी दुनियादारी के बारे में जानने की कोशिश करता है और देखता है कि जो मेरे घर में मेरे दादाजी थे मतलब, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना जी थे मतलब, यहाँ मतलब उन्होंने भी अपने टाइम में कितने कितने फील्ड में अपना कितने कितने फील्ड को चूज करके सेलेक्ट करके उसे अपने करियर बनाया और फिर अपने आगे की पूरी लाइफ निकालो, घर घर को संभाला और घर की नीड्स को पूरी की। और फिर मेरे फादर भी हैं मतलब, वो भी कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाने के बाद, और आज वो हमारे घर को संभाल ले और हमारी जो नीड्स होती है उनको पूरी करते हैं। तो ऐसे ऐसे ही मुझे भी आगे कितना किस फील्ड में करियर बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकूं और एक अपने जीवन में अच्छा व्यक्ति बन सकूं। तो इस तरीके से उसके दिमाग खुलना शुरू हो जाता है और उसे पता होता है किसी ना किसी फील्ड में उसको अपना करियर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि किसी ना हर हर व्यक्ति को अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड को चूज करना ही होता है। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जब वो स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे मतलब, तो इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब उनका दिमाग होता है खुला हुआ नहीं होता है मतलब, या उतना उनको जानकारी नहीं होती, या वो घबराए हुए होते हैं मतलब अपने जीवन के जो डिसीजन, जो लाइफ के डिसीजन होते हैं उनको लेने के लिए। जैसे आजकल बहुत सारे अगर ऑप्शन है, जैसे हम कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, सिंगर, डांसर, और किसी की बॉडी वगैरह होती है, हार्ट अच्छी होती है, कई लोग आर्मी में चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं मतलब। आजकल हमारे पास ऑप्शन कई सारे हैं मतलब फील्ड को बढ़ाने के लिए। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग अपने आप में फंसे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं कि इस फील्ड में ये फील्ड हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, इस फील्ड को सेलेक्ट करूँगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसमें करूँगा तो मेहनत तो बहुत, बट मिलना कुछ भी नहीं है, इसको मैं करूँगा कैसे मतलब, किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो मतलब जो भी फील्ड में करियर बनाना होता है उसको लेकर घबराए हुए रहते हैं। फिर जो भी डिसीजन करते हैं लाइफ में लेते हैं मतलब, या जो भी डिसीजन लेने वाले होते हैं या लेना चाहते हैं, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं मतलब, जिससे उनके लाइफ जो होती है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उनको फिर प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे कहने का मतलब। तो ऐसे समय में जब आप कभी किसी वर्क को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर या जो भी आपको लाइफ में बनना है उसको लेकर घबराए हुए होते हो, तो ऐसा मैं आपको मतलब ऐसे टाइम में आप सब यही कहूँगा कि घबराने से किसी भी चीज़ का डिसीजन या सोल्यूशन नहीं निकलता है मतलब। तो आपको ऐसे टाइम में करना क्या है, आपको ऐसे टाइम में अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, और जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो पहले तो आप यही देखो कि उस डिसीजन में मतलब स्टेप्स क्या हैं, उस स्टेप्स के बारे में जानो कि
ये जो स्टेप्स मैं लूंगा ये किसके थ्रू मैं जान सकता हूँ, या कोई मेरे से मेंटरिंग कर सकता है, कोई या कोई मुझे गाइड कर सकता है। तो आप वहाँ पे घबराने की जगह आप देखो कि इससे मेरी हेल्प कौन कर सकता है जो भी मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप डिसीजन लेना चाहते हो वो कोई ना कोई आपके फैमिली में आपके मेम्बर है, भाई हो, दीदी हो, पापा हो, या ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, उनसे आप पूछिए। तो जो अगर वो डिसीजन किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी से बिलोंग करता है कि वो उनको मेरे फैमिली में मेरे दोस्त में इसको इसकी नॉलेज है, मतलब वहाँ पे घबराने की बजाय आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं अगर इसका डिसीजन लूंगा तो मैं किसके परामर्श से, किसके सजेशन से मैं इसको और बेटर डिसीजन में कन्वर्ट कर सकता हूँ कहने का मतलब। तो आपको ऐसे टाइम में ऐसे लोगों को या ऐसे जानकार को ढूंढना है और घबराना नहीं है, मतलब फिर उस जानने के बाद कि हाँ जो मेरा रियल डिसीजन है, जो मेरा वर्क है, मेरे लाइफ का गोल है, या जो मेरे लाइफ का ड्रीम है, जो मैं बनना चाहता हूँ, मतलब उसकी जो पूरी की पूरी नॉलेज है, या उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे सही तरीके से करना है, इसकी जो पूरी की पूरी नॉलेज है मेरे इस फ्रेंड को, इस जानकार को, मेरे घर में इस फैमिली मेंबर को, इसकी पूरी अच्छे से जानकारी है, देन आप घबराओगे नहीं उस जगह पर, और ऐसे अपने आप को मजबूत बना के जब वही चीज़ आप अपने फैमिली में जिसको भी या जो भी आपके जानकार है उसको उनको उस चीज़ की नॉलेज, तो आप देखोगे कि आपको वहाँ पे डिसीजन लेने में मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, और आप फिर वहाँ इजिली वो डिसीजन ले सकते हो। और जब आप किसी के सजेशन से या परामर्श से आप कोई डिसीजन लोगे तो वहाँ पर आपको घबराहट फील नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे जब आपकी यही चीज़ किसी न किसी के डिसीजन मतलब अब जो भी आपके डिसीजन वगैरह हैं कि मुझे इस डिसीजन के लिए मुझे किससे पूछ लेना चाहिए, आप इस चीज़ को अपने हैबिट में डालोगे वहाँ पे घबराओगे नहीं, तो धीरे धीरे आप देखोगे जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप उसको मतलब जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हो उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप वो सही वे में यानी राइट वे में आपको वो रिजल्ट मिल रहा है मतलब। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा जो भी आपका मतलब जो घबराने का जो एक हैबिट है, या जो आपको एक पहले आप घबराते थे मतलब किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी काम को लेकर, और आप डिसीजन नहीं कर पाते थे, मतलब आपके धीरे धीरे वही जो झिझक है, वो घबराहट है, धीरे धीरे आपके जीवन से निकल जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि घबराना किसी भी काम को लेकर या किसी भी काम के डिसीजन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर घबराने से वो काम वहीं के वहीं फंसा हुआ रहता है, और जितना ज़्यादा हम उसको डिले में करेंगे, देरी से करेंगे, मतलब फिर उसको उस काम को करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो भी हमें उतना नहीं मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो हमें यही करना चाहिए कि जब भी हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है या जहाँ पर हम फंस जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, वहाँ पर हमें घबराने की जगह अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, और अपने फैमिली में या दोस्तों में जानकार से परामर्श लेके पूछताछ करके हमें उस काम को डिसीजन लेना चाहिए, उसको पूर्ण तरीके से अच्छे से कर लेना चाहिए। तो हमें इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सबको ये बताने की कोशिश किया जीवन में आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, और उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी वहाँ पर जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि आप सभी ने अलग अलग तरह का मतलब वर्ल्ड में फ्लावर्स को देखा ही होगा मतलब, और जो कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मतलब खुशबू नहीं आती, बट कई जैसे हो गए गुलाब हो गया, चमेली हो गया, चंपा हो गया, मतलब जो दूसरे बहुत सारे ऐसे फूल भी होते हैं जिनसे बहुत ही अच्छे गेंदे का फूल हो गया, बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है, कहने मतलब हमें उन फूलों से मतलब खासतौर पर मान लीजिए जो फूल होते हैं हमें फूलों की तरह जीवन में महकना सीखना चाहिए, फूलों से हमें अपने आप को अपने लाइफ को ऐसा बनाना चाहिए जैसे हम चारों तरफ महके। तो कहने मतलब आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कि हमें अपने जीवन के अंदर फूलों की तरह महकना सीखना चाहिए, वैसा ही बनना चाहिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि मतलब
आज मतलब आज के टाइम में मतलब जैसे जो मतलब जीवन होता है, जैसे आजकल के टाइम में जब कोई मतलब जैसे दुनिया तो बहुत बड़ी है मतलब, और आज मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, और हर और हमारे समाज में 3-4 तरह के अलग अलग स्टेटस वाले फैमिली मतलब फैमिलीज को देखने को मिलता है, मतलब जो कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल फैमिली से, कोई नॉर्मल फैमिली से, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है कहने मतलब। और खासतौर पे जो सिंपल फैमिलीज के जो बंदे होते हैं या नॉर्मल फैमिली से होते हैं और मिडिल क्लास के भी होते हैं मतलब, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है कोई भी चीज़ लाइफ में, मतलब किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए, कुछ भी लाइफ में बनने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। खासतौर पर जैसे मिडिल क्लास फैमिली के पास फिर भी उनके रिसोर्स, उनके पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं कि उनको अच्छे मतलब अच्छे उनके मतलब फैमिली इतना होता है कि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई इतनी कर सके और अच्छे से सारी चीज़ों को मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं। बट खासतौर पर जो आजकल के टाइम में जो बंदे नॉर्मल फैमिली या सिंपल फैमिली से होते हैं, उनको वो ज़्यादातर उसमें देखा रहता है कि आजकल के टाइम में जैसे देखा रहता है कि जो गांव के लोग होते हैं मतलब, तो क्योंकि गांव में मतलब या तो खेती बाड़ी करते हैं या फिर अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है गाँव के अंदर, तो वो शहरों में आ जाते हैं, जो बड़े बड़े जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, या बड़े बड़े जो सिटीज वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाकर वो बिजनेस मतलब वहाँ पर जाकर वो जॉब की तलाश में आ जाते हैं मतलब। और जॉब की तलाश में आ जाते हैं तो जैसे दिल्ली सिटी है, दिल्ली सिटी है, इसमें कई जगहों पर जैसे आज भी लोग जैसे बाहर से दूसरे मतलब स्टेट से आके यहाँ पर लोग रेंट पे रहते हैं मतलब, और रेंट पे रहते हुए अपनी फैमिली को संभालते हैं, कई 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 तो यहाँ पे मतलब अकेले भी रहते हैं, कई लोग अपने फैमिली को गांव में ही छोड़ देते हैं क्योंकि घर का खर्चा चलाना है, घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और यहाँ पे लाकर तो मतलब और ज़्यादा जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब मेहनत करना पड़ता है मतलब, कि आजकल के टाइम में लोग काम करने वाले ज्यादा हैं लेकिन जो जॉब देने वाले लोग कम है, इस चक्कर में कई लोग आजकल बेरोजगार भी घूमते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि मतलब आज वही व्यक्ति आजकल के टाइम में जीवन में आगे बढ़ सकता है मतलब, इसके पास कोई ना कोई लाइफ में स्किल हो, या वो किसी ना किसी चीज़ में माहिर हो, या किसी ना किसी प्रकार का उसके पास कोई आर्ट हो कहने का मतलब। तो यहाँ पर अब हम इसको इसकी यहाँ पर हम बात करें फोटो की तरह महकना सीखो, तो यहाँ पर बात आती है जब आप किसी से मतलब कैसे महकोगे मतलब, महकने का मतलब होता है कि जैसे मेरे सामने किसी को मेरा फ्रेंड है, उसके पास गुलाब का फूल है, तो अगर उसके पास होगा तो खुशबू इतनी तीव्र होगी, गेंदे का फूल होगा मतलब, तो मतलब उसको अगर उसके हाथ में भी है तो हाथ से ही मतलब खुशबू आने लगेगी मतलब। और तो कहने मतलब जहाँ भी गुलाब जाता है, गेंदे का फूल होता है, जो भी खुशबू देने वाले फ्लावर्स होते हैं, जिसके भी हाथ में होगा वो खुशबू प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भी अपने जीवन के अंदर फूलों की तरह ऐसा अपना एक आचरण बनाना चाहिए, एक बिहेवियर बनाने की जरूरत है, और उन आदतों को बनाने उन आदतों को अपनाने की जरूरत है जिसके द्वारा हम अपने लाइफ में महके, क्योंकि जब हम महकेंगे तभी हर कोई व्यक्ति जैसे फूलों को अपने हाथ में लेकर उसको खुशबू प्राप्त करना चाहता है, उसको सुनना चाहता है मतलब। तो इस तरीके से हम महकेंगे तो हर कोई हमारी महक से हमसे कनेक्ट होना चाहेगा, हमसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा, और हमारे साथ जीवन में आगे भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसके रिलेटेड मतलब कई सारे अच्छे अच्छे आदतें मतलब हैं, जिसको अगर हम अपना लें मतलब, तो हम भी फूलों की तरह महकने लगेंगे, और जब महकने लगेंगे तो हर कोई हमसे मतलब जैसे मैंने बताया कि हमसे दोस्ती करना चाहेगा, हमसे जुड़ना चाहेगा, हमारा हर किसी बुरे वक्त में साथ भी देगा। तो जैसे हमें कुछ हैबिट्स ऐसे हैं, जो आदतें ऐसी हैं, जिनको अगर हम अपनाएं तो मतलब हम भी फूलों की तरह महकना सीख जाएंगे अपने जीवन के अंदर। तो जैसे हो गया कि हमें सदैव हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए मतलब, जैसे अगर हम पहली बात करें हेल्पिंग नेचर का मतलब होता है कि मदद करने की हमारे एक नेचर होना चाहिए, मदद करने मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैसा से ही, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ पैसा से ही मदद करना हो गया, कई लोग जैसे हो सकता है कि जो उनके पास स्किल हो रहे थे, कई लोग ट्यूशन वगैरह खोल के रखते हैं मतलब, तो वहाँ पर जो बच्चे आते हैं तो जो फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी तो जिनकी फैमिली में वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप उनको एक अगर आप 50 या 100 बच्चों में एक दो को आप फ्री भी पढ़ा दोगे मतलब, तो उनकी फैमिली वाले आपको ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे मतलब। तो इस तरीके का आप थोड़ा सा अपने अंदर एक हैबिट लाए कि हम किसी को गिवर बने, मतलब किसी को कुछ दे सके, बट जो अगर उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाता है मतलब, तो वहाँ पे हमें इस तरीके हैबिट को होना चाहिए, गिवर मतलब गिवर वाली मतलब,
देने वाले कि हमारे पास जो नॉलेज है, पैसा नहीं लेकिन नॉलेज तो है, हम नॉलेज को शेयर करें किसी का जीवन और भविष्य बना दे। तो लोग जब उनकी फैमिली वाले फिर आपसे जब उनको पता चलेगा कि आप आपका इतना अच्छा बिहेवियर है, आप अच्छे हो मतलब, और आप उनकी जो करेंट कंडीशन है होम टूर को आप समझ रहे हैं मतलब, तो वो आपसे जुड़े भी रहेंगे, उनके उनके पास जो भी कॉन्टेक्ट वगैरह होंगे उसमें वो फिल्म वो लोग फेस जो फीस है आपको वो पे ना कर पाए, लेकिन वो जो बंदा पे कर सकता है उनका आपको कनेक्शन दे मतलब, तो इससे क्या होगा कि आपने एक अच्छा काम कर दिया और आपको बहुत सारे लोगों का कॉन्टेक्ट भी मिल गया मतलब जो अफोर्ड कर सकता है। इसी तरीके से आपको जैसे आपने देखा हो गरीब में मतलब जैसे जो एनिमल्स होते हैं कई सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या काउ भी गली गली में मतलब कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, बिल्लियाँ भी होती हैं और छत पर तो पक्षी वगैरह आते रहते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्योंकि ये अपना खाना तो बना नहीं सकते मतलब ना खा सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड घर पर जैसे छत के ऊपर पक्षियों के लिए आपने मतलब बर्तन में पानी वगैरह रख दिया और खाने दाने वगैरह डाल दिए, तो इससे क्या होगा कोई पक्षी आपके घर से ऊपर से गुजरेगा तो अगर उसको खाना दिख जाएगा तो वो खा लेगा तो पेट भर जाएगा मतलब, उसके भी आपके एक वो अच्छी हैबिट्स में आता है जिसको हम पूर्ण करने का काम करते हैं। जो खाना मान लो एक्स्ट्रा घर में बन गया और ख़राब नहीं हुआ तो गली में किसी दो बर्तनों के अंदर एक पानी या फिर एक में उस खाने को डाल देते हैं, गली से अगर कोई भी जानवर घुस जाए तो अगर वो खाना खराब नहीं है मतलब तो अगर उसको भूख लगी होगी तो वो खा लेगा, इससे भी वो एक अच्छी हैबिट माना जाता है, लोगों को पता लगे आप एक अच्छा मतलब संस्कार वाले और एक गुड नेचर वाले और एक हेल्पिंग नेचर वाले एक पर्सन हो। इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई जैसे जो रास्ते में जैसे मतलब जैसे गरीब बंदे होते हैं या ओल्ड मतलब पुअर पीपल्स होते हैं मतलब जो फुटपाथ के साइड में या कई कई रात को सोते भी हैं मतलब, तो जैसे हमारे पास जैसे कई बार कई लोग ऐसे भी मतलब जो खासतौर पर रिच फैमिली से या मिडिल क्लास में होते हैं जो किसी भी कपड़े को जाते हैं तो अपने पहनते उसके बाद वो थ्रो कर देते हैं फेंक देते हैं, तो आपको ऐसे पुराने कपड़े या कुछ दिनों तक कोई जूते को पहनते फिर फेंक देते हैं, तो आपको ऐसे कपड़ों को ऐसे जूतों को जाकर डोनेट कर देना चाहिए ऐसे बंदों को जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है मतलब, क्योंकि फेंक दोगे थ्रो कर दोगे तो खराब ही हो जाएगा है ना या वेस्ट हो जाएगा, आपको ऐसे चीज़ों को डोनेट कर देना चाहिए मतलब। इस तरीके से आप अनाथ आश्रम हो गया या वृद्ध आश्रम हो वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को डोनेट करते हैं, क्या होगा कि आपका एक तो आपने पुण्य का काम किया और लोगों को आपकी महानता के बारे में आपकी गुड नेचर के बारे में लोगों को पता चलेगा कि आप इस तरीके से मतलब आपका एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो मतलब अपने जीवन के अंदर कहने का मतलब, इस तरीके से आपको मतलब हमेशा अच्छी चीज़ों को दूसरों को शेयर करना चाहिए, जैसे आजकल हर कोई व्हाट्सएप फेसबुक चलाता है इंस्टाग्राम चलाता है तो कई लोग मैसेज करते हैं मतलब, तो कई लोग जैसे वैसे चीज़ें भी मैसेज कर देते हैं कि आप ऐसे गॉड्स वगैरह के होते हैं कि 9 लोगों को भेजो 10 लोगों को भेजो या 15 लोगों को भेजो, तो ऐसे चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए, आप जो अच्छे थॉट्स होते हैं अच्छी हैबिट्स होते हैं अच्छे विचारों वाली कुछ भी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम किसी को फॉरवर्ड करते हैं उससे उनका भला हो सकता है मतलब, तो आपको ऐसे चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, अच्छी राय देना चाहिए, अच्छे लोगों को सजेशन देना चाहिए मतलब, आपको अच्छे अच्छे लोगों को बातें बतानी चाहिए जो किसी के भी लाइफ के लिए अच्छा हो, किसी के भी लाइफ के लिए मतलब उसमें चेंजिंग लाने वाला हो मतलब परिवर्तन कर दे मतलब, और अच्छी आदतों को मैंने पता बंदे का जीवन बन जाए, तो कहने मतलब आपको अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को बताना चाहिए, अच्छे अच्छे हैबिट्स को अपने अंदर अपनाना चाहिए, और जैसा कि पहले भी इसमें बता चुका हूँ कि आपको अच्छा तभी आप बनोगे जब आप अच्छे 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 कर्म करोगे, अच्छे 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 लोगों की मदद करोगे और अच्छा अपना बिहेवियर रखोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे मतलब, अब देखो कि दिन पर दिन आपका जो एक फूलों की तरह आपका जो महकने का लेवल है काफ़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है मतलब, और काफ़ी लोग आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से अच्छे नेचर की वजह से आपको जुड़ना चाहते हैं और फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और आपका आगे तक साथ भी देंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि फूलों की तरह हमें अपने जीवन में महकना चाहिए, कैसा लगा मेरा आज का नया वीडियो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज हम एक अच्छे मोटिवेशन वीडियो के बारे में बात करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हंसते रहना सीखिए मतलब, जैसे आजकल
लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों के जीवन में, चाहे वो जैसे अगर लोगों की बात करें तो लोगों की भी अलग अलग कैटेगरीज है। मतलब एक होते हैं, मतलब जैसे स्मॉल एज के जो बंदे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब 5 से 10 साल के, फिर 11 से 20 साल के, फिर 21 से 30 साल के, मतलब और 30 से ऊपर 30 से फिर ऊपर के जो होते हैं वो वर्किंग लाइन में आ जाते हैं, जॉब लाइन में आ जाते हैं। मतलब तो हर व्यक्ति के अपने एज के हिसाब से, अपने मतलब अपने काम के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से, अपनी वर्क के हिसाब से उसको अपना स्ट्रेस होता है। मतलब और ज्यादातर उन चीजों को लेके व्यक्ति मतलब हमेशा घबराहट में होता है। मतलब और वो इतनी घबराहट में होता है, इतनी ज्यादा डूब जाता है कि अरे ये काम कैसे होगा, और हंसना ही भूल जाता है। लेकिन ये नहीं पता होता कि किसी भी चीज के बारे में डीपली टेंशन लेने से या घबराहट करने से, स्ट्रेस लेने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो मतलब अगर आपको कोई भी काम, जैसे मान लो स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट सुबह स्कूल जाता है, 8 बजे मतलब स्कूल पहुंचता है, फिर 2 बजे छुट्टी होती है तो वापस आता है, तो ऑलवेज टाइम उसके मतलब जो दिमाग में क्या होता है, पढ़ाई का टेंशन होता है। मतलब कई सारे, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और वो हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं, बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो हर टाइम घबराहट में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, अरे हम टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। मतलब तो कहने का मतलब इन चीज़ों में ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आप हैप्पी। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका हैप्पी माइंड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका दिमाग का खुश होना बहुत ज़रूरी है, और चेहरे पर मुस्कुराहट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्योंकि जब आप हंसेंगे, मतलब मारो कोई भी दिमाग में काम आता है, जैसे मुझे पढ़ाई करना है, या मुझे स्टडी करना है, या मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो दिमाग पर लोड लेने से, स्ट्रेस लेने से वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी ना। तो बस यही बोलिए कि हाँ काम तो मुझे करना ही है, फिर मैं स्ट्रेस क्यों लूँ। मतलब तो आपको उस टाइम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है कि नहीं मैं उस काम को करूंगा, और वो करना तो मुझे पड़ेगा ही, मतलब और मैं इस काम को अच्छे तरीके से करूंगा। और जब अपने चेहरे पर हम स्माइल रखते हैं, मतलब और हम तो स्माइल रखने से इसलिए होता क्या है, मतलब हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना काम को करने के, बढ़ रहता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, अगर हम किसी चीज को हंसकर कार्य करते हैं। मतलब क्योंकि हम स्ट्रेस लेकर कार्य करेंगे तो उस काम में उतनी मतलब परफेक्शन नहीं आएगी, और वो काम स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि वो ज्यादा वो टाइम ले। मतलब तो आजकल के टाइम में क्योंकि लोड का लोगों के पास काफी ज्यादा मतलब वर्कलोड हो गया है, या काम का मतलब स्ट्रेस हो गया है, मतलब कि लोग हंसना ही भूल गए। मतलब ज्यादातर जो बंदे जॉब करते हैं वो दिन ऑफिस में रहते हैं, घर पहुंचते हैं फिर उनको पता होता है अरे मुझे इस क्लाइंट से बात करना है, इस मीटिंग में जाना है, ये मीटिंग फिक्स करनी है। मतलब दिमाग जो होता है ऑलवेज टाइम जो होता है वो किसी ना किसी चीज में लगा ही रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे दिमाग होता है उस पर काफी लोड आ रहता है। तो कहने मतलब काम का लोड कैसा भी हो, चाहे कैसा भी आपके पास मतलब किसी प्रकार का काम हो, देखो स्ट्रेस लेने से या दिमाग पर वर्कलोड लेने से वो काम तो हमें करना ही है ना, और उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं वो लोड लेना। तो आप अपना मतलब कोई से भी, कैसी भी दिक्कतें आए, कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, और आप अपने चेहरे पर स्माइल को रखते हुए, प्रसन्नता को रखते हुए आप कोई भी काम कीजिए, तो आप देखेंगे कि जब आप किसी भी काम को, चाहे वो टफ क्यों ना हो, या वो स्टडी से रिलेटेड क्यों ना हो, या जॉब से रिलेटेड क्यों ना हो, या वो प्रैक्टिस से रिलेटेड क्यों ना हो, जब आप उस काम को हंसते हुए करेंगे मतलब, तो आपके एक तो बॉडी में एनर्जी काफी होगी आपका, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा मतलब उस काम को करते वक्त, और तीसरा आप उस काम को इजिली अच्छे तरीके से कर लेंगे, और चौथा आपको उस काम में अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपने देखा कि, और पांचवा, और इस तरीके से आप किसी भी काम करेंगे तो आपको काफी अच्छा फील भी होगा, हैप्पी फील भी होगा। तो आपने देखा कि हंसते रहने से मतलब जो हमारा माइंड होता है काफी स्ट्रेस फ्री होता है, वर्कलोड प्रेशर कम होता है हमारे दिमाग पर, और हम किसी भी कार्य को सहजता पूर्वक कर लेते हैं। मतलब क्योंकि जो हमारी स्माइल होती है, हमारी हंसी होती है, हमारे दिमाग से वो स्ट्रेस को हटाती है, उस मतलब वर्कलोड को हटाती है, और बोलती है कि नहीं तू ये काम कर लेगा और अच्छे तरीके से कर लेगा, टेंशन मत ले, स्ट्रेस मत ले, और इस काम को बस अच्छे से करने की कोशिश कर, करना तो तुझे है ही, तो स्ट्रेस लेने से क्या फायदा। इसलिए हमें किसी भी काम को करते वक्त दिमाग पर स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए, अपने हैप्पी माइंड के साथ किसी भी काम को करना चाहिए, तो हमें मतलब तो हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, और उसमें हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो मतलब तो हमने जैसे देखा कि मतलब कि आजकल के टाइम में जैसे जो हंसना बहुत जरूरी है, और मतलब हंसने के साथ साथ अपने माइंड को फ्रेश रखना, हैप्पी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक
बोलते हैं ना, एक प्रसन्न दिमाग या बोलते हैं एक स्वस्थ, हमारा दिमाग तभी स्वस्थ होगा जब हम प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। और एक बोलते हैं कि स्वस्थ दिमाग के थ्रू ही किसी भी अच्छे कार्य को किया जा सकता है। मतलब तो स्वस्थ दिमाग हम कैसे रखेंगे, दिमाग में स्ट्रेस को ना रखते हुए। और स्ट्रेस कैसे हटाएंगे, हैप्पी माइंड, हैप्पी माइंड जब हमारा होगा। और हैप्पी माइंड कब होगा, जब हम ऑलवेज टाइम मतलब प्रसन्न रहेंगे। मतलब कोई भी चीज हमारे सामने आती है, कोई भी काम आता है, हम उसको सोचते हैं कि हाँ हम इस चीज को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, और ये काम तो हमें करना ही है। हमें आज के बाद जो भी हमें काम मिलता है, चाहे वो अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें होमवर्क मिलता हो, या टेस्ट की एग्जाम की तैयारी करने का प्रिपरेशन करना हो, या हम कॉलेज लाइफ में तो हमें असाइनमेंट बनाना हो, हमें दूसरे मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने हो, या हम जॉब करते हैं तो हमें जॉब से रिलेटेड मीटिंग्स करनी हो, कॉलिंग करनी हो, या प्रोडक्ट सेल करना हो। मतलब तो हर व्यक्ति का अपने अपने एज के हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से उसका स्ट्रेस होता है। तो इन चीज़ों को तभी हम खत्म कर सकते हैं जब हम अपने माइंड को हैप्पी रखेंगे, अपने माइंड को शांत रखेंगे। और तभी अगर अपने हम अपने चेहरे पर स्माइल रखेंगे, आप देखेंगे कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कोई आपका मालिक बोल देता है, बॉस बोल देता है, अरे इस काम को कर दो, तो आप चेहरा को बना के मतलब जैसे होता है उदास टाइप का या बहुत ही ज्यादा घबराहट टाइप का करोगे, तो आपके बॉस को लगेगा कि मतलब इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये इस काम को करने से घबरा रहा है, मतलब नहीं करना चाह रहा है। तो वो आपको हो सकता है उस काम से मना कर दे, और कुछ टाइम बाद ऐसी घबराहट अगर वो आपके चेहरे पर देखता है आपका बॉस, तो कुछ टाइम के बाद लगेगा कि आप हर काम को करने में घबरा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है काफी डाउन है। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो आपको जॉब से निकाल दे, या आपको उस काम से रिलेटेड काम ना दे, उससे उस काम से संबंधित कोई काम ना दे, उससे लोअर काम दे, जिसमें हो सकता है कि फिर आपकी अगर आपकी काम कम देगा, लोअर वर्क देगा, तो हो सकता है आपकी जॉब की जो इनकम है वो भी आपकी कम कर दे। मतलब तो किसी, और जब आप उसी चीज को अच्छे से हैप्पी हैप्पी फेस के साथ रिप्लाई करते हो, यस यस बॉस आई विल डू दिस, यस सर आई विल डू दिस, मैं इस काम को कर दूंगा, और जब आपका बॉस कॉन्फिडेंस देखेगा आपके चेहरे पर, अरे जो मेरा मतलब एम्प्लॉय है वो हर काम को बहुत ही हैप्पी स्माइल के साथ, हैप्पी फेस के साथ कर देता है, और बहुत ही उसको ईजी लगता है काम करना, मतलब तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, कॉन्फिडेंस के लेवल को देखकर आपके चेहरे पर काफी अट्रैक्ट होगा, काफी प्रभावित होगा। और जब हमारे चेहरे पर स्माइल आती है तो उसी से जो व्यक्ति होता है वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमारे फेस के थ्रू ही हमारे चेहरे पर जो स्माइल आती है वही हमारे हर चीज को मतलब बयां कर देता है, मतलब दिखा देता है कि हम उस काम को मतलब कॉन्फिडेंस मतलब उस कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब तो फिर बॉस जो होता है वो आपके उस काम के प्रति लगन को देखकर, और जो आपका इरादा है काम के प्रति, हाँ हाँ सर मैं कर दूंगा, आई विल डू दिस, मतलब आई विल डेफिनेटली डू दिस विद 100% माई एफर्ट, मतलब इस तरीके से आपके काम के प्रति लगन को देखकर होता है आपका प्रमोशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जो हमारा हंसना, जो उसको स्माइल बोलते हैं, उससे हम कई जगह लाइफ में ग्रोथ भी कर लेते हैं। मतलब क्योंकि वो हमारे बॉडी, हमारे चेहरे पर हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है, और कई जगहों पर हमें आगे मतलब जैसे डूबने से बचाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होगा, आप हंसेंगे नहीं, मतलब तो आपका मतलब आप नीचे ग्रोथ नहीं, आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके चेहरे के स्माइल को देखकर ही काफी लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपकी आपके समझ जाते हैं कि ये बंदे में दम है और ये बंदा इधर किसी भी काम को कर सकता है। तो कहने का मतलब आज का इस वीडियो के थ्रू यही था कि आप जो भी काम करें अच्छे से करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, और उसके लिए आपको अपने चेहरे पर स्माइल रखना है, आपको हैप्पी फेस रखना है, स्माइलिंग फेस रखना है। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को हमेशा हैप्पी रखेंगे, तो आपका जो माइंड होगा स्ट्रेस फ्री होगा, वर्कलोड फ्री होगा, और जब आप कोई भी काम करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ आप उसको उस काम को करने में आपको मजा भी आ रहा है, और आप इजिली उस काम को जो पहले स्ट्रेस के साथ कर रहे थे, वर्कलोड के साथ कर रहे थे, तो उसमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, और जब आप फ्री माइंड होकर आप उस काम को कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, आपको सबकी तारीफें भी मिल रही हैं, आपका प्रमोशन भी हो रहा है, और लाइफ में आप अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं। मतलब तो आपने देखा कि आजकल के टाइम में स्ट्रेस भरी लाइफ में हंसना बहुत जरूरी है दिमाग को हैप्पी रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और तो आपको इस वीडियो के एक रेड सब्सक्राइब बटन के साथ आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियो को देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें, अपने माइंड को शांत कैसे रखें, मतलब उस इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और शांत रखने के मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हर इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड को शांत हम कैसे रखें, मतलब क्योंकि आजकल का जो टाइम है, मतलब आजकल का जो समय है काफ़ी, मतलब भाग दौड़ का समय है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, सबके पास अपना अलग अलग, मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, चाहे वो किसी भी एज लेवल का बंदा क्यों ना हो। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो मतलब कि मतलब जिस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेटस से, मतलब स्टेटस मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से, मतलब रिच फैमिली से जो बंदे बिलोंग करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज, सारे सुख सुविधाएँ, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छी स्टडी करना, अच्छे मतलब अच्छे ज्ञान को अर्जित करना। मीडियम क्लास जो रहते हैं उनको भी मतलब को मेहनत करना पड़ता है, उनके पास लगभग सारे जो रिसोर्स होते हैं। फिर आती है नॉर्मल, उसकी नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास जो नीचे की होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने मतलब उनको काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि मतलब नॉर्मल क्लास या मिडिल क्लास, मतलब सिंपल क्लास, वो फैमिली आती है जो कब देख रहे होंगे कि जैसे दिल्ली जैसी सिटी, मतलब जो बाहर के स्टेट से, मान लो जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से मतलब आकर लोग यहाँ पे जैसे जो रहते हैं, मतलब अपना मतलब क्या कि उनको रोजगार मिल सके, उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, तो यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने के लिए उनके पास अपना घर नहीं होता, तो लोग रेंट पर रहते हैं। मतलब तो दिल्ली में कई सारे जगहों पर मतलब लोग रेंट पर रहते हैं जो बाहर के स्टेट से आके यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है। मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं डेली उनको जॉब पर जाने के लिए भी, या जहाँ पर उनका ऑफिस होता है वहाँ पर आने जाने के लिए भी उनको मतलब ऑटो रिक्शा या बस वगैरह पकड़ कर जाना पड़ता है। मतलब और फिर वापस भी शाम के टाइम उसको ऐसे आना पड़ता है, फिर सुबह उठ के अगले आना पड़ता है। मतलब डेली का जो उनका लाइफ का सर्कल है, मतलब ऐसे ही चलता रहता है कहने पर। इस तरीके से अगर हम चाहे मतलब जैसे हम बात करते हैं 3-4 अलग अलग जो एजेस होती हैं हर व्यक्ति के लाइफ की, मतलब उस पे उनके मतलब उनके लाइफ में किस तरह की, मतलब किस तरह की उनकी लाइफ में शांति नहीं है, मतलब कहने का मतलब उनका जो माइंड होता है हमेशा अशांत रहता है। कई मतलब शांत होता है लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका माइंड अशांत रहता है। मतलब तो अशांत कैसे रहता है, मतलब उसकी बात हम 3-4 अलग अलग स्टेज के जो मतलब ह्यूमंस होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। मतलब और फिर बात करेंगे हम इसको कैसे अपने जीवन से, मतलब लाइफ से इसको रिमूव करें और कैसे अपने दिमाग को शांत रखें। मतलब पहले हम बात करते हैं अलग अलग एज के, मतलब अलग अलग एज के लेवल्स के हिसाब से, कि आप सभी को पता ही होगा मतलब कि आजकल के टाइम जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले, मतलब रिच फैमिलीज, पुअर और नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली, मीडियम क्लास फैमिली, सब में अलग अलग हर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। मतलब और तो इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो हाई क्लास हो, रिच फैमिली हो, नॉर्मल मीडियम क्लास, सिंपल, या किसी भी फैमिली में पैदा होता है, मतलब तो वो तो उसका स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं, मतलब तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में वो बच्चा जो होता है, मतलब वो 2-3 चीज़ें करना सीखता है। मतलब क्योंकि अभी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, तो जैसे कि चलना फिरना सीखता है और पैरों पे चलता है, हाथ से भी वो चलना मतलब सीखता है, मतलब फिर बोलना सीखता है, मतलब फिर खाना सीखता है, उसके दांत वगैरह धीरे धीरे निकलते हैं।
3 साल तक उसके दांत काफी निकल जाते हैं कहने का मतलब। तो मतलब 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब इन चीज़ों को मतलब सीखता है, इस चीज़ों को करना सीखता है, चलना फिरना खाना पीना बोलना सीखता है, मतलब 1 से 3 साल तक यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब अपने जीवन का मतलब जो 4थे साल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है मतलब, तो उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया रहता है, स्कूल मतलब पढ़ने के लिए, आगे की मतलब स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठी से 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा स्कूल होता है उसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, नर्सरी KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड ऐसे करते हुए फिर 12th तक होता है। 12th के बाद फिर वो आगे मतलब कॉलेज की लाइफ भी होती है, और कॉलेज की लाइफ के बाद मतलब वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी वगैरह होता है। इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई वो पूरी मतलब इस तरीके से हर साल वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता हुआ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो मतलब जब फिर जब वो बच्चा 1 3 साल तक मतलब जब वो अपना चीज़ों को सीखता है, तो उसके बाद उसको 4थे साल में एंट्री करते हैं जैसे मतलब स्कूल में डाल दिया रहता है। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल तो पहली क्लास होगी, और प्राइवेट स्कूल होगा तो नर्सरी में डाल देंगे मतलब। तो फिर वहाँ से वो जो बच्चा होता है धीरे धीरे अपने आगे की जो उसकी स्टडी होती है उसको हर क्लास हर साल मतलब ये करके अपने मेहनत लगे और परिश्रम से उसको पास करता हुआ आगे की क्लासों को पार करता रहता है मतलब। फिर वो 10वीं पढ़ता है, 10वीं 12वीं फिर कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई भी करता है मतलब। तो कहने का मतलब फिर जो बच्चा होता है मतलब फिर कहा जाता है कि जो मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है। मतलब इस एज तक जो बच्चा होता है उसके अंदर बचपना बना ही रहता है, इस मतलब बचपना होता है उसके अंदर। और इस एज में इस जो 4 से लेकर 13 साल तक की एज होती है, इस एज में जो बच्चा होता है ज़्यादातर उसका जो उसके हम उम्र के मतलब बच्चे होते हैं, चाहे उसके घर के अंदर और रिश्तेदारों में, चाचा ताऊ मामा काका का लड़का मतलब, या गली में रहते हो नेबर के, या उसके स्कूल में हो, या उसके क्लास के अंदर होंगे मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं या स्कूल मेट्स होते हैं, तो उनको उसको उस बच्चे को जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब उनके साथ ही उसको उसको फ्रेंडशिप करने में, उनके संग बातचीत करने में, खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है मतलब, और उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इन्जॉयमेंट मिलता है इसे। और जब वो खेलता कूदता तो कूदता है मतलब बाहर जाकर मैं दोस्तों के साथ गली में मतलब, तो कपड़े भी गंदे होते हैं, बालों धूल धूल मिट्टी भी लगती है, चोट भी लगती है कई बार, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब होता है जब उदास होता है, लेकिन फिर से वो वापस क्या बोलते हैं खेलना कूदना शुरू कर देता है जैसे हम उनके बच्चे होते हैं। तो ये जो होता है 13 साल तक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में एंट्री करता है 14th ईयर में मतलब, तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे जो उसका एज होता है मतलब वहाँ के बाद फिर चाइल्डहुड लाइफ बोलते हैं खत्म हो जाती है। फिर जो बच्चा सिंसियर मतलब धीरे धीरे उसका जो दिमाग खुलने लगता है, वो लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी या टीचर मारेगी, या मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, कपड़े गंदे होते हैं तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगता है, और मुझे स्टडी में अच्छी फोकस करना चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, वो इस तरीके से देखता है मतलब। और वो ये भी देखता है मतलब कि उसके जो मतलब फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब दादाजी हैं नाना जी हैं मतलब, ये जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मतलब उन्होंने भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे मतलब किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाया, और उसके उसमें करियर बनाने के बाद अपना उसकी बाकी जो लाइफ थी उसी फील्ड में काम करते पूरी निकाल दी। उसके अलावा फिर जो मेरे मतलब फादर भी हैं मतलब वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाने के बाद अभी करेंटली उसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहने है मतलब। तो आगे जाकर मुझे भी अगर किसी ना किसी फील्ड को चूज करके सेलेक्ट करके मतलब चुनने के बाद अपना करियर उसमें बनाना पड़ेगा। तो और इस तरीके से उस बच्चे का मतलब दिमाग होता है धीरे धीरे आगे खुलता रहता है कहने है मतलब। तो अब उसको बात आती है मतलब अपने लाइफ के अंदर, फिर देखता है कि अरे ऑप्शन तो उसके बाद बहुत सारे हैं मतलब कहने मतलब, जैसे आज के टाइम में अगर किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना है तो बहुत सारे हमारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे उपलब्ध हैं कहने का मतलब, जैसे कि आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और फोटो फोटोग्राफर, लेक्चर लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, और बॉडी अच्छी हाइट वगैरह अच्छी है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, फिर बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, और सिंगर, डांसिंग, गिटारिस्ट, मतलब आजकल बहुत सारे प्रोफेशन और करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है, वो आपकी इच्छा, लगन
और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं वाला। तो बच्चा जो होता है धीरे धीरे वो अपने कितने किसी ड्रीम को लेके या कितने किसी फील्ड को लेके आगे अपना वर्क करता है। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन तक की। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से, मतलब जो एज की स्टेज होती है उसमें लोगों को, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करें, मतलब तो शांत अशांत दिमाग होगा तभी आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिमाग अशांत कैसे होता है ये अलग अलग, अब हम स्टेज मतलब जो एज होता है मतलब उसके ऊपर हम बात करेंगे कहने का मतलब। तो हम देखते हैं कि जो बात मैंने कि 3 और 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, जो छोटे क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं मतलब उनको भी अपना मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि वो उनको डिप्रेशन बताया कि उनको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है लेकिन उनको स्टडी भी करना होता है क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्टडी करें अच्छे से और मेहनत करें मतलब, और उनको पढ़ाते भी हैं जो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा मतलब हाई हाईली मतलब ग्रेजुएटेड होते हैं मतलब, तो उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते भी हैं मतलब। तो जो बच्चा होता पढ़ता तो एक साथ में उसको मतलब खेलने कूदने के ड्रेस में बताया कि खेलना कूदता भी है मतलब, अगर उसको खेलने कूदने नहीं दिया जाए मतलब उसको ऑलवेज टाइम स्टडी भी कराया जाए मतलब, तो बच्चा जो होगा सैड होने लगेगा मतलब उदास रहने लगेगा क्योंकि खेलने कूदने से बच्चे का ग्रोथ होगा मतलब बॉडी का ग्रोथ होता है मतलब, और दिमाग उसका वो खुलेगा मतलब। और उसका वो एज ही है खेलने मतलब खेलने कूदने की जो एज है 30 या 25 साल का बच्चा तो खेलने कूदेगा नहीं ना, वो तो उसकी एज है उस टाइम बचपन की मतलब, तो उसको अपना मतलब उस एज में उस बच्चे को भी अपना अलग ही एक दिमाग वो रहता है कि नहीं मुझे खेलना कूदना भी, उसके दोस्त नहीं मिलते तो बच्चे ने रहता है कि अरे मेरे कल बाजू वाली आंटी का जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है, मेरे को दिखा था, या मेरे स्कूल में वो लड़का वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, मेरे को उससे खेलना है मतलब, उसको भी दिमाग में लेकर क्योंकि उसकी वो एज है, तो उसको अपने हिसाब से उस एज लेवल पर टेंशन होकर पढ़ाई भी करना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने, टीचर के सामने मतलब टीचर जो पूछती है उसका जवाब भी देना है मतलब, तो उसको अपने अलग ही एक एज एज के हिसाब से उसको अपना स्ट्रेस का एक वो है मतलब, स्ट्रेस मतलब दिमाग उसका अशांत रहता है कहने मतलब। इस तरीके से जो बड़ी क्लास के होते हैं मान लो 9th 10th 11th 12th, तो जो बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पे मतलब, तो उनको भी अपना जो उनको स्टडी होता है काफ़ी मतलब उनका फिर बड़ा हो रहा था बड़ी क्लास का होता है, तो असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रैक्टिकल करना, बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना, फिर मतलब सारे जो टीचर वर्क देता है उसकी तैयारी करना मतलब, और उनको अच्छे से याद वगैरह करने का भी, उसको अपने अलग ही एक मतलब उसका दिमाग अशांत रहता है कहने मतलब, अपने अपने करंट वर्क को लेके, अपने स्टडी को लेके, और फिर अपने जो भी उसके ड्रीम वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करते हैं तो 3 साल तक कॉलेज होता है मतलब, तो जैसा कि मैंने बताया कॉलेज भी 2 तरह के होते हैं मतलब, जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे भी 2 तरह के कॉलेज है, एक होता है ओपन दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम DU बोलते हैं मतलब, दिल्ली जो लोग ओपन से पढ़ाई करते हैं, ओपन का मतलब होता है कि जो लोग हफ्ते में 6 दिन क्या बोलते हैं 6 दिन मतलब हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है मतलब, वो किसी भी कॉलेज में हो सकती है मतलब, तो जो हफ्ते में एक दिन क्लास होती है उसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी मतलब, आपको हफ्ते में आपका आपने एडमिशन किया आपका कहाँ पे क्लास हो रही है हफ्ते में एक दिन आ रही है आपके, आपको मतलब उसका मैसेज या लेटर आ जाता है मतलब और पता चल जाता है, और आपको साथ में एक ही बार एग्ज़ाम देना होता है, उसको ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए होता है मतलब, और मतलब जिनके मार्क्स वगैरह जो होते हैं काफ़ी कम आ जाते हैं, जैसे जैसे 50, 60, 65 मतलब, क्योंकि जो बंदे रेगुलर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर तो उनकी जो कट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है, जैसे कि मैंने भी अपना जो पढ़ाई था वो रेगुलर कॉलेज करके किया था मतलब, 2011 में आई गॉट 76% इन आर्ट साइट्स, आर्ट साइट से मेरा आए थे 76%, देन आई गॉट एडमिशन इन PGDV कॉलेज इन नेहरू नगर मतलब, जो नेहरू राजपूत नगर में जो PGDV कॉलेज है मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एडमिशन हो गया मतलब, क्योंकि मेरे 76% आए थे मतलब। और जो जैसा मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो अगर आपको रेगुलर कॉलेज पढ़ता है चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के मार्क्स होता है कट लिस्ट जो आती है 70-80 से ऊपर आती है, तो जिन बच्चों के 70-80 से ऊपर आते हो तो अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जिनका जिनके नंबर ही नहीं आते 50-40 आप तो 40 कंपलसरी हो गया मतलब हर सब्जेक्ट के लिए मतलब, मैं जहाँ तक मुझे मतलब पता चल रहा है मतलब, तो मतलब 40-45% अगर आते हैं या 70 से नीचे ही मान लो तो आपके फिर मुश्किल है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना। तो जो
तो जो कॉलेज के बंदे जो होते हैं जो ओपन से पढ़ाई करते हैं, वो तो साल में एक ही बार जाके अपना एग्जाम वगैरह देते हैं, तो उनको तो जब एग्जाम भी वो करीब आ जाए तब उनको स्ट्रेस हो जाता है कि ओपन वालों का जो एग्जाम होता है वो ज़्यादातर हर साल अप्रैल से लेकर जून के बीच में ही होता है, जो ओपन वालों का साल में एक बार एग्जाम होता है। और जो होते हैं कॉलेज वाले, जो रेगुलर कॉलेज पढ़ते, जैसे मैं पढ़ता था, तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते थे, क्या नहीं सेमेस्टर में क्या होता था कि आपका आपके 3 साल के कॉलेज में आपके 6 सेमेस्टर होंगे, हर साल आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो जो कहने वाले जो बंदे रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं और जो एग्जाम वगैरह में भी एक्चुअली होता है कि 100 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट बनाकर देने के होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपको आपके टेस्ट के होते हैं, 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते पूछे जाते हैं। तो खैर 25 मार्क्स आप टीचर के हैंड में होते हैं, वो जो आपको अपनी मेहनत अच्छे से पूरे अटेंडेंस करके अच्छा सा प्रैक्टिकल बना के और अच्छा सा टेस्ट दे के आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना, तो बाकी 75 मार्क्स का जो होता है वो एग्जाम होता है। तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को अपना, जब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको अपना अलग ही प्रकार का, उनका दिमाग अशांत रहता है, अपने प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स नोट्स और अलग अलग चीज, जो उनके वर्क होते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई उस एज में कॉलेज के टाइम में वो अपना कोई ना कोई ड्रीम सेट कर रखा था, जैसे कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे कई सारे बैंड आते हैं, तो कई पीछे सपोर्टिंग कॉलेज के बंदे होते हैं, जो कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है। कहने का इस एज में बंदे कॉलेज तो करते ही हैं, साथ में कोई ना कोई अपने लाइफ में गोल भी सेट कर लेते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, उनको अपना अलग ही प्रकार का एक स्ट्रेस, स्ट्रेस या दिमाग अशांत रहता है अगर वो कर रहे होते हैं। तो फिर बात करते हैं हम जो उसके बाद में 30 साल के एज के बाद जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑफिस में जाकर के, अभी किसी बड़े और पोस्ट पर होते हैं, तो उनको भी अपना ऑफिस का काम करना, बॉस को जवाब देना, बॉस ने जो काम किया को टाइम पर कंप्लीट करना, इस तरीके से उनका भी अपना एक टाइम पर ऑफिस पहुंचना, फिर टाइम पर ऑफिस से निकल घर पहुंचना, तो उनका भी अपना एक अलग ही उनका जो अपना काम करने का उनको अपना एक तो दिमाग अशांत रहता है, क्योंकि डेली का वही सर्कल चलता है, कभी कभी संडे को छुट्टी मिल गई तो सही है, वरना डेली का वही साइकिल होता है, साइकिल वही चक्र चलता रहता है कहने का डेली का। तो उनका जो उनका दिमाग काफी अशांत रहता है कहने वाले, तो कहने जो वो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, हर एज के हिसाब से हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग क्या बोलते हैं और स्ट्रेस और या अशांत दिमाग रहता है। जो फीमेल में भी बात करें तो कई लड़कियाँ जॉब भी करती हैं, वो भी स्टडी वगैरह कर वो भी स्टडी करती है सेम एस बॉयज लड़कों की तरह, तो उनको भी अपना अलग अलग एज के साथ सेम वही दिमाग अशांत रहने की प्रॉब्लम आती है। लेकिन उनके शादी होने के बाद जैसे घर का काम करना, बच्चा हो गया तो बच्चे की देख रेख करना, उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प कराना, तो उसको भी उनको भी अपने शादी होने के बाद जो उनकी जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उनको अपना उनका दिमाग अशांत रहता है कहने वाला। तो ये मैंने बताया कि आपको अलग अलग एज के हिसाब से लोगों का दिमाग अशांत रहता है। अब बात हम करेंगे कि जो आपका दिमाग अशांत है, अशांत दिमाग को हम शांत कैसे करें, उसके उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, तो और आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे। तो कहने वाले जो हमारा पहला जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अपने दिमाग शांत रखना है तो आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, जो बने बनाए वीडियोस होते हैं, म्यूजिकल कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक वाले भी होते हैं, उनको आप ईयरफोन से सुनिए, सुबह उठकर जल्दी मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, दिमाग हल्का होता है, शांत होता है, रिलैक्स होता है, और आपका दिमाग हल्का होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, तो आपको अपने आप ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा, जो भी आपके माइंड में अशांति फैली होगी वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी, धीरे धीरे आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। तो कहने मतलब आपको अपने दिमाग को शांत रहने के लिए जो आपको पहला टिप्स में बता रहा हूँ वो है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको वही काफ़ी फायदे होंगे जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेकेंड टिप्स है वो ये है कि आपको अगर आप हो सके तो सुबह उठकर 5-10 मिनट तक ओम चैंटिंग कीजिए। कहने का ओम चैंटिंग करोगे तो देखा होगा जो आप ओम ओम
जब ओम हम बोलते हैं मतलब तो हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा होता है, एक तरंगे सी उत्पन्न होती है मतलब। तो उन वाइब्रेशंस उन तरंगों से क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एक वाइब्रेट होने के कारण हमारा जो बॉडी पूरा शांत होने लगता है मतलब, हमारा दिमाग शांत काल और रिलैक्स फील होने लगता है हमारी बॉडी को। तो आपको डेली 5 लेसन तक ओम चैंटिंग भी करनी चाहिए मतलब, और ओम चैंटिंग करने से भी आपको काफी फायदा मिलेगा। तो ये भी आपको करना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा आज का तीसरा सीक्रेट है वो ये है कि जब आपका दिमाग अशांत रहने लगे तो उससे क्या होता है, जब दिमाग अशांत रहने लगता है मतलब, या तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफी डाउन हो जाता है मतलब, आप उसी चीज में घुसते चले जाते हो अशांत होने के कारण। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको जो आपकी लाइफ की गुड मेमोरीज थी, आपने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, आपने कौन कौन सी अच्छी जगहों पर घूमा, आपने आपका जो बिहेवियर है, आपने कैसे अच्छे अच्छे लाइफ के मोमेंट्स अपने लाइफ में जिए हैं मतलब, उन गुड मेमोरीज को याद कीजिए। उस गुड मेमोरीज को याद करने से क्या होगा, अच्छी यादों को याद करने से जो आपकी करंट जो आपका दिमाग शांत होगा तो वो आपकी अच्छी मेमोरीज से फिल हो जाएगा, एक बोलते हैं स्मरण हो जाएगा। स्मरण होने से क्या होगा, जो आपके जितने भी दिमाग में अशांति फैली होगी वो तुरंत हट जाएगी मतलब, आपकी गुड मेमोरीज को याद करते ही मतलब। तो आपको जो भी आपके लाइफ की गुड मेमोरीज है उनको आप याद करिए, ऐसे टाइम अगर आपका दिमाग अशांत हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी फिर शांत हो जाएगा उन मेमोरीज को याद करने के बाद। जो चौथा है वो है आपको डेली योगा करना चाहिए। योगा आपको कम से कम डेली 15 से 20 मिनट तो करना चाहिए, और योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इजिली कर सकते हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया, और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, अनुलोम विलोम होता है मतलब, उसको आप कर सकते हो। और दूसरे जो भी योगा के अंदर होते हैं जिनको आज जिनको करने में आपकी बॉडी आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपकी बॉडी उस चीज़ को करने आपके अच्छे से उस पोस्चर को अच्छे से हैंडल कर सके आपकी बॉडी, आपको बहुत सारे योगा के मतलब आसन वगैरह करना चाहिए, जैसे सूर्य प्राणायाम हो गया सुबह के टाइम, और भी बहुत सारे मतलब योगा के अंदर होते हैं, उनके जिनकी डिटेलिंग अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके उनके बारे में निकाल सकते हो, और धीरे धीरे आप उनको सीखो और करना सीखोगे तो आप धीरे धीरे आप योगा करना भी सीख सकते हो। कहने वाला आपको डेली 10 से 20 मिनट योगा भी करना चाहिए। योगा करने से भी क्या होगा, आपकी बॉडी जब हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी और एकदम फ्रेश रहेगी, तो इससे आपकी जो दिमाग अशांत होने के चांसेस क्या होंगे आपके कम हो जाएंगे, और आपके दिमाग मोस्टली टाइम पर ऑलवेज शांत ही रहेगा कहने वाला। तो आपको मतलब डेली योगा भी करना चाहिए जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा कहने का मतलब। और जो पांचवा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये वो आखिरी है कि जो आपका दिमाग शांत हो मतलब, तो उसको हटाएं कैसे, उसके लिए मतलब शांत होते ही नहीं, लेकिन आप कम से कम इसको भी एक अपने हैबिट में डाल लीजिए। जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे बताया कि स्ट्रेस है, लोग हंसना भूल गए हैं मतलब, किसी ना किसी पूरी परेशानी में उलझे रहते हैं मतलब, तो उसका मतलब वो कैसे हटाए, तो आपको जो पांचवा टिप्स मैं देने जा रहा हूँ ये है कि आपको डेली कम से कम 5 से 10 मिनट तक हंसना चाहिए, खुल कर हंसना चाहिए। खुल कर हंसने से क्या होता है, जो हमारे ब्लड होते हैं बॉडी के अंदर काफ़ी तेजी से उनका जो मतलब प्रसार होने लगता है बॉडी के अंदर, हार्ट जो हमारी हार्ट की जो स्पीड होती है मतलब ब्लड को बॉडी के अंदर पहुँचाने की, वो तेज हो जाती है कहने का मतलब। और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ जाती है कहने का मतलब। तो आपको डेली कम से कम 5-10 मिनट तक छत पर जाकर या किसी कमरे के अंदर जहाँ पे मतलब और हो नहीं मतलब, क्योंकि अगर हंसोगे तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा देखे आपको कुछ सोचे, लेकिन हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है मतलब, हंसना जरूरी होता है सेहत के लिए कहने का मतलब। आपको डेली कम से कम 5-10 मिनट तक खुली जगह पर खुल कर हंसना चाहिए बिना किसी चीज़ को सोचे हुए मतलब, क्योंकि हंसने से आपके जैसे बताया कि बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, और आपका जो हंसोगे तो आपको किसी प्रकार की आपके माइंड में अशांति नहीं रहेगी। और ऐसे जब भी कुछ भी मामला दिमाग में आता है तो थोड़े टाइम के लिए अपने चेहरे पर मतलब खुलकर हंसी, और आप देखोगे जो भी आप जैसे आपके चेहरे पर स्माइल आएगी हंसी आएगी, सारा का सारा जो आपके दिमाग में अशांति होगा या स्ट्रेस होगा तुरंत के तुरंत हट जाएगा कहने का मतलब। तो पांचवा मैंने बताया कि जब भी, और आजकल बहुत सारे लाफ्टर क्लब लाफिंग क्लब्स भी बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हो, वहाँ पे लोग जाते हैं खुलकर हंसते हैं और आपस में अच्छी अच्छी मेमोरीज को अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते हैं मतलब, और जो उनको अच्छा भी लगता है कहने का मतलब। तो कहने का मतलब कि इन 5 जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं मतलब, जो कि पहला आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरा आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए, तीसरा आपको अच्छे मेमोरीज को याद करना चाहिए, चौथा आपको योगा करना चाहिए, पांचवा आपको डेली हंसना चाहिए,
ये चार पांच टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में अशांति ना आपकी कोई भी चीज़ नहीं है, आपका दिमाग ऑलवेज टाइम शांत रहता है। कितना से कितना बड़ा स्ट्रेस क्यों ना है माइंड में, मतलब तनाव क्यों ना हो या दिमाग अशांत क्यों ना, कोई भी इन चीज़ों को फॉलो करें आपका दिमाग फिर पहले की तरह ही और जैसे आपको पहले रहता था शांत होने लगेगा और आपको अच्छा फील भी होने लगेगा और फिर आप अच्छी हेल्दी लाइफ भी जीने लगोगे कहने मतलब। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की कि अगर आप क्योंकि आजकल भाग दौड़ का मतलब भाग दौड़ भरा जमाना है हर व्यक्ति के लाइफ में, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि अपने अपने एज के हिसाब से उनको अपना स्ट्रेस का दिमाग में अशांति का उनका एक लेवल वो बना हुआ है, मतलब इसको अलग अलग एज के हिसाब से उनको अलग अलग मतलब उनका बना रहता है क्या नहीं बोलते, तो उसको हम कैसे हटाएं, कैसे अपने आप को अपने दिमाग को शांत रखें, उन्हीं की उसी के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए। आशा करता हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे अपने दिमाग को शांत करने के लिए और लाइफ में हेल्दी हैप्पी रहेंगे और जब भी कुछ आपको सैड फील होंगे तो आप हंसेंगे अच्छे से क्या है मतलब, और हंसने से जैसे बताया कि आपकी बॉडी अच्छी रहती है और पूरी पूरी की पूरी बॉडी में एनर्जी फैल जाती है क्या है मतलब। तो कैसा लगा आप सभी में आज सभी पर आज का यह नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज से अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में मतलब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल कनेक्ट हो सकें और मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे आने वाले हर वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके आज मैं कुछ आपको 5 टिप्स बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और मैंने ऑलरेडी अपना जैसे 12th क्लास और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वो भी कम्प्लीट कर रखा है, वैसे मैंने जो मेरा आया था 76% एंड इन द कॉलेज आई आई गॉट 63% विद फर्स्ट डिवीज़न। तो मेरे पास मैं आपके पास कुछ टिप्स बताऊँगा जिसको आप जानने के बाद अगर आप उस तरीके से उसको प्रिपरेशन करोगे अपने एग्जाम में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो मतलब। तो उसी टॉपिक पर आज मेरे इस वीडियो को थोड़ा आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें एग्ज़ाम के अंदर, इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है मतलब, और वर्ल्ड में अलग अलग जो स्टेट है मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले मतलब लोग रहते हैं, कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास मतलब सिंपल क्लास से बिलोंग करता है, अलग अलग स्टेट वाले लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस तरीके से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास सारे सोर्सेज हैं मतलब, सारे सुख सुविधाएं मिडिल क्लास वाले के पास भी मतलब लगभग सभी होते हैं, नॉर्मल क्लास सिंपल क्लास के पास वो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मतलब लाइफ के अंदर चीज़ों को या रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, जब वो किसी फैमिली पैदा होकर क्यों ना आता है मतलब, तो जब पैदा होने के बाद जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक मतलब, तो वो जो टाइम होता है ऐसे खड़ा था कि वो पहले तो वो छोटा होता है, तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है उस टाइम वो जो बच्चा होता है छोटा बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बोलना सीखता है और अपने पैरों पर चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है क्योंकि उसके प्रॉपर दांत नहीं निकले होते हैं। तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है उस टाइम में वह सिर्फ इन 3 चीज़ों को सीखता है, खाना पीना चलना फिरना बोलना, लेकिन जैसे ही वो
चौथे साल में प्रवेश करते हैं, मतलब जैसे वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है तो उसे स्कूल में डाल दिया रहता है। और आप सभी पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे जैसे मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट जो कि 1 से 5वीं तक होता है, देन 6 से 10 तक जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और देन 6 से ले और दूसरा होता है 6 और 6ठी से लेके 12वीं तक भी होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते तो आगे क्लासेस होती हैं 12th तक। उसके बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है और ग्रेजुएशन भी होता है। तो कहने का मतलब जब उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया रहता है, चाहे नर्सरी में डाल दें अगर प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में डाले तो पहले क्लास से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो हर साल अपनी एक एक क्लास को अपनी मेहनत से लगन से और तैयारी करके पास करता हो जाता है। लेकिन फिर जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक का टाइम होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है एक बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब। और उस टाइम में जो बच्चा होता है मतलब खास तौर पर जब क्योंकि उस टाइम का बचपन का टाइम होता है तो चाइल्डहुड का टाइम होता है तो उसका खेलने कूदने में जो हम उनके उसके बच्चे मतलब हम उनके जो बच्चे होते हैं जैसे गली में रहते हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके उनको ऐसे ही अपने हम उनके बच्चों का दोस्ती करने में अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना कूदना मतलब और बोलना, उनके संग खेलना मतलब यही सारी चीज़ें उसको करने में अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई भी वो करता है लेकिन उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे बचपन के हमारे गेम्स होते थे मतलब जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बचपन में खेलते थे मतलब, और ऊंच नीच का पापड़ा और बर्फ पानी हो गया और अंताक्षरी हो गया। मतलब ये तो थोड़े सीनियर लोग खेलते लेकिन बचपन के भी जो छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई या ये कुछ गेम हुआ करते थे। तो मतलब तो ऐसा कह रहा फिर जैसे मैंने बताया कि वो बचपन के टाइम वो ऐसे अगर गेम खेलने में बच्चे को मजा आता था, स्कूल हो चाहे वो घर के मतलब घर के अंदर हो या गली में उसके हम उसके फ्रेंड्स हो। और कई बार वो खेलते वक्त गिरता भी है, कुछ चोट भी लगती है लेकिन फिर से वो वापस चोट लगता है तो रोता है लेकिन फिर से वापस पुराने वाली कंडीशन यानी खेलने कूदने के मूड में आ जाता है। मतलब बाल गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब। लेकिन जैसे ही वो 13 साल क्रॉस करता है, फिर जो 14वें साल में एंट्री करता है मतलब, तब तो वो काफ़ी सीनियर हो चुका होता है मतलब। और देन वो उस एज से मतलब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है मतलब कि क्या चीज़ लाइफ में गलत है, क्या चीज़ लाइफ में सही है मतलब। और उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, उसे अपने जो मतलब अपने आपको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए मतलब। और कपड़े गंदे करेंगे तो टीचर भी मारेंगे, मम्मी भी मारेगी, और उनको कपड़े धुलने में प्रॉब्लम भी होगी। तो वो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ों के प्रति मतलब समझने का उसका दिमाग होता है धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगता है। देन वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने बड़ी क्लासों में बढ़ता है, लेकिन जब बड़ी क्लासों में बढ़ता है मतलब तो उसे फिर सब्जेक्ट्स को मतलब प्रिपरेशन करने में काफ़ी लगता है कि टफ है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम इन माई सब्जेक्ट्स। वहाँ पे उसको फिर थोड़ी सी मतलब क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता मतलब, तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊँगा कि जब वो धीरे धीरे क्लासों की तरफ बढ़ रहा होता है मतलब बड़ी क्लास 7, 8, 9, 10 फिर कॉलेज भी, फिर आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी और दूसरी तैयारियाँ भी होती है मतलब। तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें वो इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा मतलब कि वो जो 5 सीक्रेट है अब मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ मतलब कि अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने मतलब फ्यूचर के अंदर, तो चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो मतलब आप अच्छे मार्क्स किसी भी क्लास में उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद आप ला सकते हो मतलब। तो मैं आपको पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो मतलब, तो जितना ज़्यादा हमारी सीनियर क्लास होती है उतना ज़्यादा हमें फिर एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हमारी बड़ी क्लास है, जैसे 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्जाम होंगे तो हमें दूसरे स्कूल में जाकर हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा मतलब, और दूसरे ही स्कूल हो और दूसरे टीचर आएंगे आप एग्ज़ाम लेने के लिए, इस चीज़ का भी दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो मतलब उन्हें उनकी अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें वो अब हम इस अपने सीक्रेट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे मतलब। तो जैसे मैं आपको जैसे बताया हूँ कि जो हमारा पहला जो सीक्रेट है मतलब कि एग्जाम को प्रिपरेशन कैसे करें मतलब, जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सीक्रेट वो है आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनका प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब तैयारी कर रहे हो उस पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है। मतलब जो आपका फोकस का लेवल है मतलब कि अगर आप जिस टाइम भी आप उसकी प्रैक्टिस मतलब उस
मतलब प्रिपरेशन करते हो, मतलब स्टडी करते हो, उस टाइम मान लो आपने दिन भर में 3 4 घंटे आप स्टडी करते हो, मान लो सुबह आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक स्टडी करते हो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाते हो, या शाम को आने पर 10 से 12 1 बजे तक आप स्टडी करते हो, तो उस टाइम जो भी आप स्टडी कर रहे हो मतलब उस टाइम जो आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है टोटली उस टाइम आपकी उस स्टडी पर ही होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं आजकल के टाइम में से, जब हम मतलब जब मैं 2011 में अपना 12th क्लियर किया और 2015 अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब तो इस टाइम 2011 में तो मोबाइल वगैरह का बहुत स्मार्टफोन्स का उतना वो ही नहीं था, मतलब चला नहीं था, मतलब 2015 में भी मैं एंड में जाकर फाइनल ईयर में मैंने फोन लिया था, मतलब उसके पहले भी मेरा फोन सिर्फ नंबर वाला ही था। तो कहने का मतलब, तो आज सभी बच्चों मतलब जो स्टडी वगैरह करते हैं सबकी फैमिली से बच्चों के पास स्मार्टफोन वगैरह है, मतलब तो माइंड डिस्टर्ब होने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक तरह आप फोन पे रखे हुए होते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ होता है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज आ सकता है, कभी कॉल आ सकता है, या आपके से कुछ भी उनको काम हो सकता है, मतलब तो वो एक डिस्टर्ब करने का चांस होता है। यहाँ पे हम जैसे हम बात कर रहे थे फोकस की, कि अगर आपका फोकस अच्छा होगा, मतलब आपका फोकस पूरा का पूरा होगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब और जिस टाइम आप अपना स्टडी का टाइम अपने जो निर्धारित कर रखा है, मतलब उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अगर उसको याद कर रहे हो, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपकी उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों पे। कि अगर आप एक तरफ फोकस करके अपना स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी का मैसेज आ गया, कॉल उठा लिया, फिर एक बार कॉल उठा लिया, मैसेज का रिप्लाई किया, तो फिर हमारा इधर से डाइवर्ट हो गया, हम उस काम में लग जाते हैं, जैसे क्या होता है हमारा फोकस खराब होने का चांस रहता है, मतलब अगर फोकस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो पहला जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से अपना जो आपका फोकस लेवल आपको बढ़ाना होगा, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब तो आपको अपना जो फोकस का लेवल उसको बढ़ाए रखना पड़ेगा, और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब तो आपका जो पहला सीक्रेट हो गया फोकस, फोकस का आपको हमेशा ही उसको फॉलो करना पड़ेगा, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप टाइम दे के उसकी याद कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस समय आपके उसी सब्जेक्ट की स्टडी पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सीक्रेट कि फोकस का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100% जब आप स्टडी कर रहे होते हो स्टडी के टाइम में। जो हमारा दूसरा जो सीक्रेट है, जो सेकंड सीक्रेट है, मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, वो है आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क का मतलब ये है कि जब आप फोकस, जैसे मैंने बताया फोकस तो कर ही रहे हो, तो जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है मतलब उनको आप अच्छे से निचोड़ दो, मतलब कि उसकी एक एक जो बारीकियां होती है, यानी कि ऊपर ऊपर से रफली पढ़ लिया, और उसकी जो स्टेप्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको ABCD करके कई सारे मतलब उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया होता है आंसर्स को वगैरह, मतलब और प्रैक्टिस करने के टाइम भी जब हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है जो बड़ी क्लासों में एक एक क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे जैसे 6 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के भी आते हैं, मतलब उनको डिफाइन करने में मतलब एक एक दो दो पेज भरना पड़ता है, तो आपको उतना चीज़ें जब याद होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। तो कहने में यहाँ पर बात आती है हार्डवर्क की, तो हार्डवर्क का मतलब ये कि जो बड़े बड़े 6 6 मार्क्स के या 10 10 मार्क्स के, 8 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उस क्वेश्चन का, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सको, मतलब 2 से 2.5 पेज भर सको, लिखा होता है कि आपको अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको इसका जो उत्तर है आपने देखा ही होगा कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है, या 100 से 120 वर्ड्स में, या 100 से 150 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने बड़े बड़े आप मतलब इस इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना है इतने बड़े बड़े, तो आप कैसे याद रखोगे? वो सिर्फ ऊपर ही ऊपरी तौर पर पढ़ाई करके तो नहीं रह सकते ना, सिर्फ फोकस करके, मतलब फोकस तो चाहिए ही, साथ में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, मतलब जो चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, चाहे वो मैथ हो, SST हो, हिस्ट्री हो, मतलब जिस जिस स्टेप से वो क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब जिस स्टोरी से बना हुआ है, जिस लेसन से उस क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए, और याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब कि आप लोग कोई स्टोरी है, इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश के एग्जाम में, कि टेल मी अबाउट दिस स्टोरी, या टेल मी अबाउट दिस पोएम ब्रीफली इन 100 to 150 वर्ड, अगर वो क्वेश्चन जो है वो
6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, मतलब। तो जब आप उसके बारे में पढ़ो रहोगे, आपको अच्छे से वो याद होगी स्टोरी, या उसके बारे में आपको अच्छी उस आपने उसका अच्छे से हार्डवर्क कर रहा होगा फोकस के साथ, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो, मतलब 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डवर्क की हमने बात की, तो आपको हार्डवर्क हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा फोकस के साथ, मतलब। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, लेसन्स हैं, आपको उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी लेसन्स का अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क करने से ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी, मतलब। तो हमारा जो दूसरा सीक्रेट है वो है, आपको हार्डवर्क को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका जो सेकेंड मैंने बताया वो था अपना, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अच्छे से इसकी प्रिपरेशन के लिए, मतलब। और उसको अच्छा, मतलब फोकस के साथ आपको उसके हार्डवर्क के थ्रू आपको अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये था हमारा दूसरा हार्डवर्क। जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो है, आपको जो स्टडी है, मतलब स्टडी ऑन टाइम, मतलब आपको जैसे अगर आप बड़ी क्लास में जैसे कहा जाता है कि जब 8वीं तक, जैसे 8th क्लास तक, अगर जैसे मैं डेली से पढ़ाऊँ तो 8वीं तक डीबीटी की बुकें होती थी, डेली बुक्स टेक्स्ट ऐसे करके डीबीटी की। और जब जैसे हम 9th में पढ़ते हैं तो NCERT क्या रहती है डेली के अंदर, तो 9th से फिर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, मतलब। तो 9th से फिर थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, स्टडी का चेंज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए आपको फिर जो एक स्टडी का जो टाइम होता है आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और उसी डिसाइडेड टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो, जैसे हर स्टूडेंट्स का एक अलग मतलब प्रैक्टिस करने का, याद करने का एक अलग तरीका होता है, उसका अपना अलग टाइम होता है उसका डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो ज़्यादातर जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो जब मैं 11th 12th में था, या जब मैं कॉलेज में भी था, मतलब, तो मेरा जो स्टडी का टाइम होता था, ऐसा कहा जाता था कि सुबह के टाइम 4 बजे उठो, 4 से 7 बजे तक, या 5 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उस टाइम कोई भी उठा हुआ नहीं होता है, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की चहचहाट नहीं होती है, मतलब। तो जो सुबह का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम जब किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करोगे, तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होगा उसी चीज़ को करने में होगा। तो अगर आप स्टडी भी सुबह उठकर जल्दी उठकर स्टडी करते हो, मतलब, तो आपका जो या जो भी चीज़ आप याद करोगे उस टाइम में, मतलब आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहीं पर जैसे मैं बताया स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर 2 आपको टाइम डिसाइड, मतलब फिक्स कर ही देना है स्टडी का। जैसे मैं सुबह 5 से 7 बजे या कभी 4 से 7 बजे तक सुबह होकर स्टडी करता था, मतलब, और हर सब्जेक्ट को एक घंटे प्रैक्टिस करता था, उसकी स्टडी करता था उनके लेसन, उनके टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह का कॉलेज था, मतलब, तो मैं सुबह कॉलेज लाइफ में मैं सुबह कॉलेज जाता था, और मेरा कॉलेज खत्म होता था 3 बजे तक, उसके बाद मैं, मतलब, फिर आके स्टडी वगैरह करता था, मतलब। तो उसके बाद घर पे आया, घर पे काफ़ी थका हुआ होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा, फिर एक मन नहीं करता था, इसलिए मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले मैं 5 बजे उठ के 6-7 बजे तक स्टडी करता था, उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता था। देन रात को जब 10 बजे का टाइम होता था, उस टाइम भी मैं, मतलब, 10 से लेके 1 बजे तक जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता था, मतलब उनकी तैयारी करता था, उनके बारे में उनके स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी के जो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे, अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका रूल क्या है, स्टेप क्या है, एग्जांपल क्या है, मतलब। तो उनके उनके उन चीज़ों को पढ़ता था। जैसे मैं बीए प्रोग्राम मैंने किया था कॉलेज में, मतलब 3 साल का, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से, तो 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था, तो हर साल हमें 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया देना होता था, तो उनका सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने अपने साथ बताया कि मैं जैसे जो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन भर में 2 टाइम आपको डिसाइड करके रखना ही चाहिए, मतलब। तो पहला आप जैसे एग्जाम्पल तौर पर सुबह 4 से 7 या 5 से 7 कर सकते हो, मतलब अगर आप स्कूल में हो, क्योंकि आप 7 बजे तक स्टडी करो, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जा सकते हो, और फिर रात को 10 से आप 1 बजे का भी, जैसे मैं करता था, मतलब एक टाइम डिसाइड करके आप उस टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो, मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम अपने, मतलब, अगर आपको एग्ज़ाम के
एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम दिन भर में दो अच्छे टाइम को डिसाइड करना चाहिए जिसमें आप स्टडी कर सको। तो आप स्टडी ऑन टाइम, आप जो भी डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड, अगर आपने नहीं किया है स्टडी का टाइम तो डिसाइड कर लीजिए, सुबह 4 से 7 बजे तक कर लीजिए और शाम को 10 से 1 बजे तक, फॉर मेरे एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आपको इसके अलावा अगर आप अपने टाइम डेली शेड्यूल के साथ कोई टाइम बना सकते हो तो वो और ज़्यादा बेटर है, मतलब तो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपको मतलब किस टाइम में आप फ्री हो उसके साथ आप अपना बना सकते हो। बाकी मैंने आपको दो ऑलरेडी ऑप्शन के तौर पर दे दिया है। तो ये हमारा तीसरा सीक्रेट है कि आपका जो भी आप स्टडी का टाइम आपने डिसाइड किया है तो आप उस टाइम में स्टडी जरूर कीजिए। उस टाइम में आप उस चीज़ का फोकस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्टडी ऑन टाइम यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आप स्टडी जरूर कीजिए। हमारा तीसरा सीक्रेट था स्टडी ऑन टाइम। जो हमारा फोर्थ सीक्रेट है जो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए वो है, जो भी आपके सब्जेक्ट से मतलब जो आपके सब्जेक्ट जो भी आप जिस भी क्लास में हो आपके पास सब्जेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही, मतलब तो जो भी आपके सब्जेक्ट से मतलब उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस ऑन टाइम, मतलब जो आपने टाइम डिसाइड किया है स्टडी करने का तो उस टाइम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस तभी जब करोगे तभी आप उसको उसके जो पेपर जब एग्जाम वगैरह होंगे तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह ला सकते हो। मतलब तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है या अगर आप कॉलेज वगैरह में तो जैसे बीए प्रोग्राम जब मैंने लिया था तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था। बाकी मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह में तो चूज करने को संस्कृत वगैरह में से सेलेक्ट करना पड़ा था। तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया था। सेकेंड ईयर में हिंदी, इंग्लिश में एक होता था, थर्ड ईयर में भी इतने थे जो हमने अगर स्किप कर दिया अगले साल में मिल जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं तो आपको उन सब्जेक्ट की जो हमारा फोर्थ सीक्रेट था मैंने बताया कि आपको उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे मतलब तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है मतलब स्टडी का उस टाइम में आप उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, जो भी पाठ वगैरह है, मतलब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना पूरा पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सीक्रेट है वो है कि लेस यूज फोन। जैसे आज के 10 साल पहले तो इतना फोन का चलन नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन दिखते थे, वो भी छोटे छोटे कैमरे वाले, मतलब बाकी जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे वो टच वाले फोन, मतलब जो जिसमें नॉर्मल बटन वगैरह से चलाते थे, कॉलिंग वगैरह इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करते थे, एसएमएस वगैरह कर सकते थे। मतलब आजकल के टाइम में बड़े बड़े फोन आ गए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह। मतलब तो कहने का मतलब आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हर जैसे फैमिली में सबके पास भाई, बहन, पेरेंट्स सबके पास बड़ा बड़ा फोन होता है, मतलब मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में सबके पास, मतलब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास होता ही है। मतलब तो और स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके पास भी आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स के पास फोन यूज होता ही है। तो अगर आपके पास, तो मैं आपको जो फिफ्थ मैंने बताया सीक्रेट कि आपको मोबाइल का लेस यूज फोन यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल और जो मोबाइल होगा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। खासतौर तो पर अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह है, तो जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फोन्स को यूज़ करता था जो बटन वाले हुआ करते थे। इसीलिए जब बटन वाले हुआ करते थे तो ज़्यादा फोन का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप कॉलिंग और इनकमिंग और एसएमएस के अलावा। तो ज़्यादा ज़्यादा मैं अपना टाइम फोकस स्टडी पर करता था, और जब 12th तो मैंने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे मार्क्स ले गए 76%, तो मैंने कॉलेज भी रेगुलर पढ़ा, पीजीडी मतलब जो मेरा डेली में पीजीडी भी कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना मॉर्निंग से 2015 में अपना स्टडी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी आपका क्लास है तो आपको मोबाइल का आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, बच्चों के पास स्मार्टफोन होते हैं, मतलब चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, मतलब तो अगर आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो और वाकई में मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है, मतलब और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको मोबाइल में मतलब जो दूसरे काम्स होते हैं मतलब वो आपको करना है, चाहे वो आपके दोस्त वगैरह से चैटिंग हो या बातें हो, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। स्टडी का जो एज होता है वो कहा जाता है कि वो
30 साल तक मैक्सिमम होता है। 30 साल के बाद आप जितना आपने स्टडी कर लिया उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते, मतलब करना, अगर आप करोगे तो आपके वो दिमाग में उतना वो चीज़ नहीं हो पाता है, मतलब फिर दिमाग जो होता है और ज़्यादा, फिर आप मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट एज खत्म हो चुकी होती है 30 साल के बाद, मतलब फिर वो घर गृहस्थी वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाकई में अपने पढ़ाई के प्रति, अपने अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो मतलब, तो आपको लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही कम चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी निकालनी है, यूट्यूब या गूगल पर जाकर आप निकाल सकते हो अगर आप कन्फ्यूज हो तो। वरना अगर आपको किसी किसी में टीचर से बात वगैरह करनी है, किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, जैसे कॉलेज में टीचरों से हमारे पास टीचरों के नंबर होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को फ़ोन करके उनसे बात कर लिया, उनसे समझ लिया कि सर मैं इस टॉपिक में फंसा हूँ, इस लेसन में फंसा हूँ, तो क्या आप मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं, मतलब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं, उनके ग्रुप वगैरह बने होते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं तो उस क्लास में जो बच्चे, तो उनका ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी हो तो वो बंदा बच्चा ग्रुप में पूछ सकता है, मतलब तो उस पर्पज से ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से कुछ भी सर्च करना चाहते हो फोन के अंदर, तो उस पर्पज से भी आप एक थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ की जानकारी निकालो, लेकिन ज़्यादातर फोन को यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप फिर और ज़्यादा मतलब दिमाग भटकने का चांस और स्टडी पर भी फोकस करने का चांस नहीं रहता, क्योंकि आजकल बहुत सारे जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के अंदर गेम्स हो गया, और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल तो बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस ऐप आ गए हैं, स्नैक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, और भी बहुत सारे हैं, मतलब तो इन पर लोग अपना जो आजकल के मतलब ज़्यादातर जो मतलब जो यंगस्टर है, मतलब तो लोग शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं, स्टूडेंट्स भी डालते हैं बनाकर, मतलब तो ऐसे मतलब अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो, तो मैंने फाइनली वही बात बता रहा हूँ कि मतलब आपको कम यूज़ फोन करना चाहिए, मतलब तो अगर आप कम फोन यूज़ करो तो आप ज़्यादातर फिर जो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो दोगे वो स्टडी पर ही दोगे, अगर स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका अच्छे से वो चीज़ प्रिपरेशन होगा, मतलब मतलब से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी, मतलब सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, मतलब तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने या नहीं लाने एग्जाम के अंदर। बाकी मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बता ही दिया ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू, तो एक बार मैं आप सबको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारे आज के 5 सीक्रेट थे इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप स्टूडेंट हो, मतलब अपने जो आप करंट लाइफ है मतलब स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि मैंने भी इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके 12th में 76%, कॉलेज में 63% मतलब लेके आया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुआ, मतलब अपने मतलब जो मेरा कॉलेज था मतलब वहाँ से मैं पास आउट हुआ, और इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हुआ, मतलब तो जैसे मैंने पहला बताया था कि पहला था हमारा फोकस, अब दूसरा था हमारा हार्ड वर्क, तीसरा था हमारा स्टडी ऑन टाइम, यानी आप एक टाइम सेट कर लीजिए उस पर आप स्टडी कीजिए सब्जेक्ट की अच्छे से, उस टाइम स्टडी कीजिए। चौथा था हमारा वो था सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑन टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट थे उनकी जो आपकी स्टडी के टाइम उसी टाइम पर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जो आपने समय को निर्धारित कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट था वो था हमारा लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने लाइफ के अंदर आप स्टूडेंट्स और किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के मतलब, तो आपको मोबाइल कम से कम यूज उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब ये आप ही के लिए अच्छा होगा, बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप आपकी मतलब आपके अंदर से कितनी उस चीज़ के प्रति उत्सुकता है, चाहत है या इच्छा है, मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना पाते हो, लाना चाहते हो मतलब 70 से 80 90% मतलब, तो आपको फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करना है अपने लाइफ के बारे में, मतलब तो ये थे दोस्तों कुछ 5 सीक्रेट्स जिनको मैंने आप सभी के संग शेयर किया और बताने की कोशिश किया कि अगर आप भी अपने लाइफ के प्रति जो आपकी स्टडी लाइफ या जो जो भी आपके क्लास है और उन क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे मार्क्स लाना पाते हो, लाना चाहते हो मतलब, और लाकर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आजकल जो टॉपर होते हैं क्लास के खासतौर पर, अगर आप 70 से ऊपर नहीं लाए तो आपको कोई नहीं पूछता, या बोलते नहीं कि आपने मतलब एक वैल्यू नहीं होती, मतलब 70 से ऊपर नहीं लाओ तो मतलब तो लगता है कि क्या मतलब क्या हमने कौन सा बहुत बड़ा वो तीर मार लिया जैसे कहा रहता है, तो इसलिए कम से कम किसी भी क्लास में कम से कम कोशिश करो 70% से ऊपर लाने की, 70% ऊपर लेके आओ तो आपको भी एक फीलिंग होगी, और खासतौर पर अगर अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ना है तब तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि आजकल के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज की कटलिस्ट निकलती है मई जून के आसपास, तो 80-80, 90-90% तक जाती है, 70 वालों को भी आंसर नहीं मिल पाता आजकल के टाइम में। मैंने तो 2011 में 76% आया, उस टाइम के हिसाब से 76 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और मैं फर्स्ट डिवीजन भी था अपनी क्लास के अंदर। तो मेरा तो इजीली एडमिशन हो गया, सेकंड कलेश में नाम आ गया। आजकल के टाइम में 80-90 पे 80 से 80 वालों का भी इवनिंग में होता है कई जगह पर, मतलब 80 वालों को भी मॉर्निंग में नहीं मिल पाता, क्योंकि मॉर्निंग के जो कलेश जाते हैं 90-90 तक जाती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है, मतलब वहाँ पे कॉलेज जाना, सुबह के टाइम क्लासों को अटेंड करना, नोट शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, दो नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, मतलब और काफ़ी कैंपस होता है अच्छा था, मतलब और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, जो मैंने ऑलरेडी उसको जी चुका हूँ, मतलब अपनी जो मेरी कॉलेज लाइफ थी। मतलब तो बस मैंने आपके संग यही 5 टिप्स के थ्रू बताने की कोशिश किया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो, तो आपको जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे मेरी तरफ, जैसे मेरे 12th क्लास में और कॉलेज में भी आए। और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा, मतलब इसमें मैंने आप सभी को 5 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप उस 5 सीक्रेट्स को फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो, आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं किसी ना किसी क्लास में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में, मतलब तो आप उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी 5 सीक्रेट्स को जान सके, और जानने के बाद वो उन रूल्स को फॉलो कर सके, और फिर अच्छे अपने अपनी क्लासों में जो उनके सब्जेक्ट है उसमें अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। Thank you.